निष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने नमस्ते प्रभुपादय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारिणे नमो यम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः जत कीर्तनम जत स्मरणम जदीक्षणम जद वंदनम जद श्रवणम जदर्हणम लोकस्य सद्यो विधिनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः भूतैर्महद्भीमा पुरो विभु निर्माय शेते जदमूष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे जत्पाद पल्लव युगम् विनिधाय कुम्भ द्वंदे प्रणाम समय सगणाधिराज विघ्नान विहंतु मलमस्य जगस्तस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण जय श्री राधे। आप सबके कृपा का हम आभारी हैं कि हमारे इस दुर्मुख से भी आप लोग भगवान के चरित सुनना चाहते हैं। ठीक है, विश्वास है आप वैष्णवों की शक्ति सहयोग से मैं यथा सामर्थ आपके सामने भागवत के प्रत्येक श्लोक तो नहीं लेकिन प्रत्येक अध्यायों का स्पर्श करते हुए यथा संभव सरल भाषा में प्रस्तुत करने का कोशिश करूंगा। वास्तव में इस कार्य के लिए बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत है। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव जिनके स्नेह सौहार्द से मैं भगवत भागवत और भक्ति के से अवगत हुआ, श्रील प्रभुपाद जिन्होंने मुझ जैसे न जाने कितने लोगों को प्रशस्त मार्गदर्शन करते हुए स्कान रूप आश्रय प्रदान किया, श्रील व्यास देव सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी जिन्होंने हम बद्ध जीवों पर कृपा करके भागवत रस दिया, इसके साथ श्रीपाद श्रीधर स्वामी जिन्होंने भागवत समझने के लिए प्रथम दृष्टि प्रदान किया, श्रीपाद सनातन गोस्वामी श्रीपाद जीव गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने भागवत के अद्भुत अलौकिक रस वैचित्री को अपने टीकाओं के माध्यम से सर्व सुलभ किया, अपने गोद में बिठाकर कथा निर्विघ्न रूप में सुनने वाले करुणा स्वरूप पंच तत्व नृसिंह देव अष्ट सखी समन्वित राधा माधव अपने सहयोगियों सहित शैल भद्र चारु प्रभु जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं
और अपना समझकर अधिकार पूर्वक मुझे कथा के लिए आमंत्रित करते हैं। साथ ही यहाँ सब बैठे हुए सुहृद जन, ऐसे बंधु जनों में जो परम सौहार्द करते हैं, हे झोलीनेश भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, आप सभी वरिष्ठ भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हुए विनीत दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आपसे कृपा याचना करता हूँ कि आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं आपको भागवत रस का पान करा सकूं। जय श्री राधे, जय श्री प्रभुपाद। भागवत कथा की एक परंपरा है विज्ञापन की, एडवर्टाइजमेंट। जो भी भागवत सुनाते हैं उसके पहले भागवत की महात्म कहते हैं, तो मैं बहुत विस्तार से नहीं 10-15 मिनट में पद्म पुराण के महात्म को व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद भागवत प्रारंभ करेंगे। नैमिषारण्य क्षेत्र जो भारतवर्ष के उत्तर में एक सुप्रसिद्ध पवित्र क्षेत्र है, वहाँ एक बार शौनक आदि ऋषि हजारों की संख्या में उपस्थित होकर इतिहास सुन रहे थे। वक्ता थे सूत गोस्वामी, जो भागवत सुनाए हैं वो नहीं, उनके पिता सूत गोस्वामी रोमहर्षण जी, उनके पुत्र रोमहर्षणी जी भागवत सुनाए हैं। तो रोमहर्षण जी से लोग प्रश्न करते हैं शौनक जी कि आप अज्ञान अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान समर्थ हैं, हम आपसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं कि वैष्णव जन जो भगवान का भजन करते हैं वे किस प्रकार माया मोह से अपने पीछा छुड़ा लेते हैं, और इस कलयुग में विविध क्लेशों से आक्रांत जीवों को शुद्ध करने वाला और सबसे कल्याणकारी साधन क्या है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा पवित्र कर सके और कृष्ण की प्राप्ति करा सके, यह प्रश्न है उनका। तो यद्यपि उत्तर तो सूत गोस्वामी एक वाक्य में दे दिए कि इस कली रूप सर्व से ग्रसित जीवों का विष उतारने के लिए सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन सर्वसमर्थ है और यही कृष्ण प्राप्ति कराने वाला सर्वश्रेष्ठ साधन है, बस श्रीमद् भागवतम। लेकिन इस बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ बातें कहते हैं। कहते हैं कि जिस समय सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा प्रारंभ कर रहे थे महाराज परीक्षित के लिए, उस समय देवता लोग अमृत लेकर आए और कहे कि हे मुनिवर, आप अमृत पिला दीजिए, सर्प का तक्षक का कोई असर नहीं होगा और इसके बदले हमें भागवत सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इन विजातियों को भागवत में कोई अधिकार नहीं है, इनको तत्काल इस सभा से भगाओ। इसलिए कहा गया है श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सूत गोस्वामी कहते हैं कि सबसे पहले इस भागवती कथा को जो सूत रूप में था उसको विस्तार से ऐसे आयोजन करके एक बार सनकादिक ने सुनाया था विशालपुरी में नारद जी को। शौनक जी पूछते हैं कि वो कब, नारद जी तो खुद भागवत के विद्वान हैं, वो कथा सुनने कैसे बैठ गए, वो तो एक आचार्य हैं। तब कहते हैं कि एक बार की घटना है, देवर्षि नारद बड़ा ही व्यग्र अवस्था में बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे थे, बड़ा चिंतित मुद्रा में थे। सनकादिकों से भेंट हुई, उनकी व्याकुलता को देखकर, सनकादिक मतलब ब्रह्मा जी के चार पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये लोग जब देखे नारद जी को तो कहे कि आप ऐसे गतबित चित व्यक्ति की तरह क्यों बेचैन हैं, लगता है आपका कोई बहुत बड़ा धन खो गया, आप तो आत्माराम पूर्ण काम व्यक्ति हैं, आपको कौन ऐसी आवश्यकता है कि इतना चिंतित दिखाई दे रहे हैं और जल्दीबाजी में हैं। तो नारद जी अपने दुख का कारण बताते हैं कि देखिए, हम सत्य लोक से उतर कर इस पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर अनेक स्थानों में घूमते हुए जब परम पवित्र भारत वर्ष में आया, हिमालय से नीचे भारत वर्ष का भ्रमण मैं पवित्र स्थानों का किया, जिसमें मैं पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी नासिक हरिद्वार कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंध आदि तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी शांति नहीं है, सब जगह पाखंड, सब जगह पाखंड, मन शांति कहीं नहीं हुआ, सब जगह कलयुग के प्रभाव का दर्शन किया तीर्थ स्थानों में भी।
तो मेरे मन में आया कि चलो अब भगवत धाम की यात्रा करते हैं। तो जमुना के तटवर्ती प्रदेश को घूमते हुए जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां तो एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक युवती बहुत विलाप कर रही थी, रो रही थी, और उसके साथ दो वृद्ध वहीं पड़े हुए थे। स्वाभाविक उसके रुदन से मेरे हृदय में करुणा आया। मैं जाकर पूछा, देवी तुम कौन हो, अपने दुख का कारण मुझे बता सकती हो? तो कही कि मैं भक्ति हूँ। नारद जी एकदम चौंक गए, भक्ति? तो कहते हाँ, ऐसे तो मैं दक्षिण से ही उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक से द्रविड़ में, और वहां से महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला। फिर मैं गुजरात में जब प्रवेश की, उत्तर की तरफ आ रही थी, तो गुजरात में मुझे बुढ़ापा ग्रस्त कर लिया। लेकिन गुजरात से पार करके जब इस ब्रज भूमि में आई वृंदावन में, तो मैं तरुणी हो गई, फिर पूर्व जैसा तरुणी हो गई, ज्योति हो गई। लेकिन ये जो वृद्ध दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये वृंदावन में आते ही वृद्ध हो गए, और वृद्ध ही नहीं, जर्जर रोग से ग्रसित है। इनके दुख से मैं दुखी हूँ, क्योंकि ये मेरे बेटे हैं। देवर्षि नारद हंसने लगे, कहे कि ये सब कलयुग का कमाल है, देवी क्या करोगी, जहां तुम्हारी अवस्था जिस तरह गुजरा, कलयुग इतना शासित कर रहा है, तुम्हारे ऊपर भी प्रभाव डाल दिया, लेकिन धन्य है वृंदावन जिसके संजोग से तुमको कलयुग का भी असर नहीं पड़ रहा है। वृंदावनस संजोगात पुनस्तम तरुणी नवा, देखो इस कलयुग में भी वृंदावन तुमको ज्योति बनाकर रख रहा है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति निर्त्यति जत्र च, धन्य है वृंदावन जहाँ इस भक्ति पर कलयुग का प्रभाव नहीं है। कहती है भक्ति देवी कि हे देवर से, इस कलयुग को महाराज परीक्षित बिना सोचे समझे क्यों स्थान दे दिए, क्या जरूरत था, इतना दुराचारी कलयुग लोगों को सता रहा है। तो कहते नहीं नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। महाराज परीक्षित सारग्राही थे, कलयुग के अंदर जो सार है उसको जानते थे। यत फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। महाराज परीक्षित विचार किए कि जो फल तपस्या से प्राप्त करना कठिन है, जोग से, समाधि से, वही फल कलयुग में केवल कृष्ण नाम कीर्तन से प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर देवर्षि नारद संतवना देते हैं कि हे देवी तुम चिंता मत करो, भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, उनके धाम में आ गई हो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ऐसा मत मन में रखो जो द्रौपदी की लाज बचाए हैं, जो कौरवों को महाभारत समरांगण से विजय दिलाए हैं, जो गोप सुंदरियों का पालन किए हैं, वह कृष्ण कहीं गए नहीं है, हैं। और कलयुग पर दोषारोपण मत करो, कलिना सदृशा कोपी जोगो नास्ति बरानने, हे सुमुखी कलयुग से के समान कोई जोग नहीं है। जस्मिन ताम स्थापि श्यामी गेहे गेहे जने जने, इसी कलयुग में मैं घर घर में और जन जन में तुम्हारी स्थापना करूंगा। नारद जी कहते हैं अन्य धर्म तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान, समस्त धर्मों को दबाकर तुम्हारे भक्ति को, तुमको मैं स्थापित करूंगा। अगर तदा ना हम हरे दास हो लोके त्वाम न प्रवर्तते, अगर तुमको स्थापित नहीं कर दिया तो भगवान हरि का सच्चा दास नहीं। नारद जी प्रतिज्ञा करते हैं। इसके बाद फिर देवर्षि नारद प्रयास चालू करते हैं, खूब वेद पाठ किए, संकल्प पूर्वक गीता पाठ किए, बार बार किए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ज्ञान बैराग को भक्ति का दुख जा नहीं रहा है। तब आकाशवाणी हुई कि अरे देवर्षे एक सत्कर्म करो, सत्कर्म, इन सब वेद पाठ गीता पाठ से कुछ होने वाला नहीं है। सत्कर्म? कौन सा सत्कर्म? तो जिस कर्म को बड़े बड़े महापुरुष करके कृष्ण को प्राप्त करते हैं, वह संत शिवमणि महानुभाव बतलाएंगे। कहाँ मिलेंगे? खोजो जहां मिल जाए। अब नारद जी ज्ञान बैराग को वहीं छोड़कर सारे भारत के तीर्थों में घूम घूम कर साधु संघ करने लगे, पूछने लगे सत्कर्म क्या है। तो लोग कहे कि ये कीजिए, वेद पाठ कीजिए, ऐसा उपवास कीजिए, व्रत कीजिए, वो कीजिए, गीता पाठ कीजिए, बहुत उपाय बताते थे। नारद जी कहे सब कर लिया,
ये कीजिए वो कीजिए, तब ऐसे ही घूमते हुए बद्रिकाश्रम में पहुंचे हैं और बड़ा चिंतित है, बेचैन है, और उसी समय शनकादिक से भेंट होता है। तो हे मुनिवरों, मेरी ये दशा है, मैं भक्ति के दुख से दुखी हूँ, इसलिए गतबित व्यक्ति की तरह मेरा चित हो गया है, मेरा धन खो गया, भक्ति ही दुखी है, तो मैं कैसे सुखी रह सकता। तब शनकादिकों ने हंसते हुए कहा देवर से, आप सभी साधन कर लिए लेकिन जो करना चाहिए उसको नहीं किए, आप श्रीमद् भागवतम का पाठ कीजिए, संकल्प पूर्वक योजना पूर्वक कथा कीजिए, कल भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। कहते हैं कि वेद पाठ कर लिया, उसमें भागवत बाकी रह गया, गीता पाठ किया, इतिहास का पाठ किया, तो कुमार लोग कहते हैं सनत कुमार कि देखिए दूध के अंदर घी है लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देता, उसको उपाय से दही बनाया जाता है, फिर मथा जाता है, तब घी निकलता है, और वह देवा नाम रसवर्धनम, देवताओं को भी संतुष्ट करने वाला होता है। समग्र वृक्ष के अंदर रस है लेकिन उस रस का तब तक आस्वादन नहीं होता है जब वह वृक्ष फल के रूप में आम का फल तैयार कर न दे और पक न जाए, तब तक वह वृक्ष का स्वाद नहीं आ सकता। ऐसे तो उसके जड़ में, तना में, पत्ता में सब जगह रस है, लेकिन वह आम का रस तब तक आस्वादनीय नहीं हो सकता जब वह संपृथक भूत फले विश्व मनोहरा, अलग वह फल का रूप न ले ले। उसी प्रकार निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत दव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम हुरहो रसिका भू भाव का। उसी प्रकार समस्त वेद पुराणों का परिपक्व तैयार फल है श्रीमद् भागवतम, उसको आप सुनाइए। और महान आश्चर्य की बात है कि गीता का अध्ययन करके, महाभारत की रचना करके, व्यास जी समस्त इतिहास और पुराणों की रचना करके भी जब ज्ञान सागर में डूब रहे थे, तो उस समय आपने जाकर उनको भागवत का उपदेश किया और फिर आप स्वयं भूल गए। तत्ते विस्मय के न जत्र प्रश्न करो भगवान, आपने तदा तया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम, आप उस समय वेदांत वेद सुस्नाते गीता या अपी कर्तरी, वेदांत वेद उपनिषद गीता सब कुछ रचना करने वाले परितापवती व्यासे मुह्यंती अज्ञान सागरे, जब वो अज्ञान के सागर में गोता लगा रहे थे व्यासदेव, तदा तया पुरा प्रोक्तम, उस समय आपने चतुश्लोक समन्वितम चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दिया था। तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण, उस चतुश्लोकी भागवत को सुनकर अपने अज्ञान को दूर किए और भागवत की व्याख्या करने की आपने आदेश दिया। अतत्ते विस्मय के न यतः प्रश्न करो भगवान, फिर आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है और ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं, कितना ताकत भागवत में, आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है, आपने तो व्यास के दुख दूर किया है, श्रीमद भागवतम श्राव्य शोक दुख विनाशनम। अरे देवर्षि नारद, भागवत सुनिए या सुनाइए, कुछ भी कीजिए, अगर आप सुनेंगे संकल्प पूर्वक तब भी दुख दूर हो जाएगा या सुनाएंगे तब भी दुख दूर हो जाएगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि अच्छा है, मैं श्रोता बनता हूं और आप लोग सुनाइए। तब कहे कि कहां यह आयोजन किया जाए, तो नारद जी तो बड़ा उदार है, कहते अब ऊपर से नीचे आइए, हरिद्वार में चलते हैं, बहुत लोगों को अवसर मिलेगा, हरिद्वार में आइए, आनंद घाट पर गंगा के तट पर भागवत किया जाए। सप्तर्षि घाट पर आनंद घाट उधर है और वहां शनकादिक के द्वारा भागवत का प्रवचन प्रारंभ हुआ। कथा सुनने के लिए वर्णन है कि भूलोक से, देवलोक से, ब्रह्मलोक से भी लोग दौड़ दौड़ कर आए। राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि अपने शिष्यों के साथ आते थे और कुछ लोग जो बिना निमंत्रण के नहीं आ सकते थे, कुछ अहंकार था, उनको भृगु मुनि समझा बुझा कर लाए। गुरु तत्वाद न आया तो भृगु संबोध्य चानयत, भृगु जी कहे रहे इसमें निमंत्रण की बात क्या है, विवाह शादी थोड़े है, ये तो अपनी रस मिल रहा है, आप आइए आइए चलिए, यहाँ ब्रह्मा के प्रथम पुत्र शनकादिक भागवत बोलने जा रहे हैं, साधारण वक्ता नहीं है,
और देवर्षि नारद भक्ति के आचार्य मुख्य यजमान बनकर सुन रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जस्या श्रवण मात्रे न हरि चित्तम समाश्रयेत। सदा सुनिए भागवत की कथा, जिनके सुनने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। यहाँ तक कहा गया कि तावत संसार चक्रेस्मिन भ्रमतो अज्ञानतः पुमान। जीव इस संसार चक्र में तभी तक घूमता है और अज्ञान में पड़ा रहता है, जावत कर्ण गता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम, जब तक उसके कान में सुखदेव गोस्वामी के मुख से बोला गया भागवत नहीं आया है। इतना घोषणा पूर्वक कहते हैं कि किम श्रुतई बहुभी शास्त्रई पुराणैश्च भ्रमावहई। क्या जरूरत है अनेक प्रकार के शास्त्र सुनने की जो भ्रम में डालने वाला है। एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दाने न गर्जति, एकमात्र श्रीमद भागवतम सिंह के समान दहाड़ रहा है मुक्ति दान के लिए। और व्यक्ति के शरीर में तभी तक पाप रह सकता है हे तपोधन, जब तक वह सम्यक रूप से मन लगाकर भागवत नहीं सुना। तावत पापानि देहिस्मिन् निवसन्ति तपोधना, हे तपोधन तप ही जिनका धन है। हे देवर्षे, व्यक्ति के अंदर पाप तब तक रहता है जब तक जावन सुयेत सम्यक श्रीमद् भागवतम न रही। जब तक व्यक्ति सम्यक रूप से शुरू से अंत तक पूरा पूरा भागवत नहीं सुन लिया, पूरा भागवत अगर ईमानदारी के साथ सुन लिया जाए तो व्यक्ति के अंदर पाप नहीं रह सकता है, क्योंकि एकदम प्योर कृष्ण के गुण महिमा से भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम। और इतनी पवित्रता किसी तीर्थ में नहीं है, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयाग कम, कह रहे हैं न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयाग कम सुख शास्त्र कथा यास्य फले न समताम न एत। कहते हैं जो पवित्रता भागवत सुनने से प्राप्त होती है, जो पाप खत्म होता है, व्यक्ति पवित्र होता है, वो पवित्रता गंगा स्नान करने से, गया काशी पुष्कर प्रयाग तीर्थों में घूमने से नहीं होता, क्योंकि वहां पाप तो जरूर दूर हो जाते हैं लेकिन पाप की प्रवृत्ति रह जाती है, जड़ रह जाता है, वो नष्ट नहीं होता है तीर्थ यात्रा से। और भागवत सुनने से पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और तीर्थ यात्रा किसी के दुर्व्यसन नहीं छोड़ा पाता है। जो खाने पीने का आदत है वो नहीं छोड़ा पाता है, तीर्थ तत्काल पवित्र कर देता है लेकिन वो प्रवृत्ति भीतर है तो फिर आदत बस उसी में पड़ जाते हैं। लेकिन भागवत की कथा प्रवृत्ति नष्ट करा देती है, जड़। इस प्रकार जत फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधि ना अनासे न तत् सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। अरे सात दिन ईमानदारी से दिन रात एकाग्र होकर कोई सुन ले तो भागवत तो सारा फल प्राप्त हो जाएगा जो तपस्या से समाधि से योग से नहीं प्राप्त हो सकता। तो इस प्रकार शौनक जी पूछते हैं, सूत गोस्वामी इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो शौनक जी पूछते हैं कि श्रीमद् भागवत में ये ज्ञान आदि तपस्या और योग से भी बढ़कर इतना शक्ति कहाँ से मिल गया। इस भागवत में पुराण के अंदर जो वर्णित भागवत पुराण के अंदर जो ये सामर्थ्य हुआ है वो ज्ञान तपस्या साधना समाधि सबको तिरस्कार करने वाली शक्ति कहाँ से आ गई भागवत में। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान नित्य धाम को जाने लगे इस पृथ्वी को छोड़कर तो उस समय भगवान के परम प्रिय भक्त उद्धव उनके चरणों में आए और बड़ा व्याकुल चित्त से रो रहे थे। तो भगवान उनको सांत्वना देते हुए कहे कि सुनो उद्धव, मैं तुमको भागवत सुनाता हूँ और सारे शास्त्रों का सार गर्भित रहस्य है श्रीमद् भागवतम। उद्धव जी को सुनाए भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से और अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दिए कि उद्धव तुम जब भी इस भागवत के श्लोकों का मनन करोगे स्मरण करोगे हमको उसी प्रकार देखोगे जैसे देख रहे हो और जैसे देखे हो। लो मैं अपने समस्त गुण सौंदर्य अपना समस्त शक्ति भागवत में सन्निहित करता हूँ। स्वकीय भगवत तेज तश्च भगवतो दधात तीरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणम। भगवान जाते समय भागवत रूप समुद्र में अपने को प्रविष्ट कर दिए, इसलिए तेनयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे।
यह भगवान की बांगमई बाणी है, उनके बोली हुई बाणी। सेवना श्रवणात् पाठा दर्शनात् पाप नाशिनी। इस भागवत को सेवन करने, सेवन मतलब सुनने से, पढ़ने से, पाठ करने से और दर्शन करने से भी पाप दूर होता है। इसलिए हे देवर्षे, इस भागवत को सुनिए। और ज्यों ही भागवत प्रारंभ किए, अभी प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद प्रारंभ किए, त्यों ही महात्म खत्म करते हुए प्रारंभ किए, त्यों ही भक्ति देवी वहां उपस्थित हो गई। और भक्ति देवी लालसा से उत्पन्न हो गई कि हमें भी भागवत सुनना है, और अपने अर्थों की साड़ी पहनी हुई थी, और उनके ज्ञान वैराग्य भी वहां आ गए, जीवक हो गए। और भक्ति देवी सनकादिकों के पास जाकर कही कि हमें बैठने का स्थान बताइए, हम कहाँ निवास करें, किधर बैठे, हमारा सीट किधर है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि भक्तेशु गोविंद स्वरूप कत्री प्रेमयिक धत्री भौरो गहंत्री सात्वम चतिष्ठ स्वसुधैर्य संशया निरंतरम वैश्वा मानसानी। कहते हे देवी, तुम भक्तों के द्वारा जब भक्तों के चित में आती हो तो गोविंद को बस में कर लेती हो, क्योंकि तुम गोविंद के स्वरूप देने वाली हो, तुम कृष्ण के प्रेम प्रदान करने वाली हो, भवरोग को नष्ट करने वाली हो। तो जिन भक्तों के पास आकर तुम गोविंद को सुलभ कर देती हो, उन्हीं भक्तों के हृदय में बैठो, तुम्हारा तो सीट पहले से ही रिजर्व है। उन वैष्णवों के हृदय में निवास करो जो भगवान से प्रेम करते हैं, तुम्हारा स्थान यही है भगवान के भक्तों का हृदय। इसके बाद ततोपि दोषा कलिदा इमे त्वाम दस्तुम न सक्त्या प्रभोपि लोके तदा तदा वसरेपि भक्ति तदा निशरणा हरिदास चित्ते। इसलिए देवी, तुम भगवान के भक्तों के चित्त में निवास करो, और उनका आश्रय लेकर भक्ति देवी वहां कथा सुनने लगी शनकादि के मुख से। इसके बाद एक जिज्ञासा देवर्षि नारद करते हैं आश्चर्य से भरकर कि अच्छा, इस कथा से किन किन लोगों का उद्धार होता है, कुछ सीमा है कि इसकी असीम महिमा है, किस किस स्तर के लोग कथा सुनेंगे तो उनका कल्याण होगा। तो सनकादिक उत्तर देते हैं कि किस स्तर का, ये असीम सिद्धांत है। पापी, दुराचारी, क्रोधी, कुटिल, कामी, असत्यवादी, मातृ पितृ निंदक, तृष्णाकुल, दंभी, हिंसक, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गुरु पत्रिगामी, क्रूर, निर्दयी, व्यभिचारी, सभी प्रकार के लोग भागवत सुनकर पवित्र हो जाते हैं। तो इस प्रमाण तो अनेकों प्रमाण है, कोई प्रमाण भी बताइए, केवल ऐसे कह देने से हो जाएगा। तो कहते हैं कि इस अनेक प्रमाण है, इसमें एक प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं सनकादि। कहते हैं कि देखिए, तुंग भद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण था, आत्मदेव। वो बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी उचित नहीं मिली थी। निर्धन था, दुर्भागा था, उसकी पत्नी थी धुंधली, और निर्धन होने के कारण भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करता था। और इसके साथ ही वो, उसको एक दुख था कि वो अपरज था, उसे कोई संतान नहीं थे। तो एक दिन बड़ा दुखी हुआ, खास करके बिना पुत्र होने के कारण, तो जंगल में जाकर बड़ा रो रहा था, बड़ा कठोर रोदन कर रहा था। तो एक सन्यासी उस रास्ते से जा रहे थे, तो सन्यासी निकट आ गए रोदन सुनकर और कहे, क्यों रो रहे हो? तो अपने रोने का कारण बताया, तो उसको एक फल दिए, कहे ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला दो, पुत्रवती हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा। तो लेकर आया, लेकिन पत्नी धुंधली जी तो विचित्र स्वभाव की थी। अब लगी विचार करने कि इस फल को खाने से गर्भधारण करना पड़ेगा, बड़ा दुख होगा, अनेक प्रकार के दुख की संभावना करके चिंतित हो रही हैं कि कहीं गांव में आग लग जाए तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं भारी पेट होने के कारण भाग नहीं पाऊंगी, चोर अगर आ जाए तो और दुख होगा, कहीं प्रसव काल में घर में हम पड़ी रहेंगी तो हमारी ननद घर के धन जो है वो लेकर चली जाएगी। बहुत बहुत चिंता करके एक दिन उसी गांव में उसकी बहन थी, उससे बात की, कही कि हमारे पति एक फल लाए हैं, तो ये बहन, इससे गर्भ होगा, मैं नहीं चाहती हूँ ये दुख।
सोच रही है कि कहीं गर्भ में सुखदेव जैसा देर से जन्म लेने वाला पुत्र आ गया तो क्या करूंगी, ये भी उसकी टेंशन का विषय था। उसकी बहन कही कोई बात नहीं, मैं गर्भवती हूँ, अपने पति से कह दो और कुछ धन हमको दे देना, बस हम दे देंगे, बदल देंगे। और ऐसे झूठ मूठ के गर्भ बनाकर अपने पति को दिखाओ कि हम गर्भवती हैं, परीक्षा के लिए इस फल को गाय को खिला दो। तो दोनों बहन आपस में सलाह करके ऐसा की, और बाद में जब उसके बहन से पुत्र हुआ तो उसी को दिखा दी आत्मदेव को कि हमको पुत्र हो गया। और कुछ दिन के बाद गाय से भी पुत्र हुआ, क्योंकि उसको फल खिलाई थी। उसके बहन से जो पुत्र हुआ वो धुंधली के नाम पर उसका नाम धुंधकारी पड़ा। बड़ा ही क्रूर विचार का था, चोरी बदमाशी एक करना उसका काम था। क्योंकि जब जैसे जैसे धुंधकारी सयाना होता गया वैसे ही उसको उत्पात बढ़ता था। एकदम बेन की तरह बदमाश था, बच्चों को पकड़कर मारना, शिकार करना, वेश्याओं को अपने घर में लाकर रखा, 5 वेश्याओं को, बड़ा भारी उत्पात चालू किया। और इधर जो गाय से पुत्र उत्पन्न हुआ था वो बड़ा तेजस्वी पंडित निकला। कान तो बड़ा बड़ा गाय का था लेकिन आकार एकदम आदमी का, तो वही गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध बहुत बड़ा पंडित हुए। और इधर धुंधकारी और गोकर्ण दोनों साथ साथ सयाने होने लगे, तो गोकर्ण जी की विद्वता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए और धुंधकारी अपने दुराचार के लिए। इतना उत्पात चालू किया कि आत्मदेव पंडित एकदम चिंता में मरने लगे। गोकर्ण जी कहे कि पिताजी आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दीजिए घर को और भगवान की भक्ति कीजिए, गोकर्ण उपदेश किए। और गोकर्ण की आग्रह से पिताजी तो घर छोड़कर निकल गए, लेकिन माता धुंधली इतनी सताई गई कि कुएं में कूदकर अपना जान दे दी, आत्महत्या कर ली। और 5 वेश्याओं को ला करके घर में बहुत तंग किया, बहुत चोरी बदमाशी डकैती अपहरण रोज का उसका व्यवसाय था। वेश्याओं ने अंत में निर्णय लिया कि इसका धन तो बहुत स्थायी नहीं है, चोरी करता है, कब पकड़ा जाएगा कब मारा जाएगा, तो क्यों नहीं हम लोग मिलकर इसको मार डालती हैं, फिर दूसरा घर देखेंगे। एक दिन इस तरह से सलाह करके रात में उसको बांधकर उसके मुंह में आग डालकर मार डाली, घर बंद करके सब लूट उट कर लेकर भाग गई। बाद में जब गोकर्ण जी बहुत दिनों के बाद घर आए तो पता चला कि इस तरह की घटना हो गई, तो अपने भाई धुंधकारी के लिए उन्होंने तर्पण किया गया जी में जाकर। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी धुंधकारी का उद्धार नहीं हो पाया। गोकर्ण जी जब सोए तो उसी घर में गड्ढा खोदकर गाड़ दी थी, प्रेत हो गया था, विविध रूप धारण करके गोकर्ण जी के पास आने लगा। गोकर्ण जी समझ गए कि अधोगति प्राप्त कोई जीव है, तब जल अपने कमांडर से लिए और उसको अभिमंत्रित करके छिड़के उस दिशा में। और इसके बाद वो बोलने लगा कि भैया मैं आपका अधम भाई धुंधकारी हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। कहे उद्धार, अरे मैं तुम्हारे लिए गया में तर्पण किया। तो कहे कि ये गया जैसे करोड़ों साधन से मेरा उद्धार नहीं हो सकता भैया, मैं बहुत पापी हूँ। तब गोकर्ण जी बड़ा चिंतित हुए, कहे अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, धैर्य धारण करो। तो सुबह हमें गांव के पंडितों को बुला करके विचार करने लगे, तो सब लोग कहे गोकर्ण जी आपसे बढ़कर कौन विद्वान है, आप ही निर्णय लीजिए क्या किया जाए। तब जब गोकर्ण को कोई निष्कर्ष नहीं मिला तो भगवान सूर्य को संबोधित करते हुए कहे आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान सूर्य ने सीधा गोकर्ण जी को बताया, गोकर्ण आप अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवतम सुनाइए, निश्चित इसका उद्धार हो जाएगा। तो गोकर्ण जी पहले से भागवत जानते थे, अब जब सूर्य का आदेश प्राप्त किए तो गांव के लोगों से कहे कि आप लोग एक आयोजन कीजिए, हम तो विरक्त सन्यासी हैं, भागवत सुना जाए। तो सब लोग जुट करके भागवत सुनने की योजना बनाए और धुंधकारी के संकल्प से भागवत प्रारंभ हुआ। धुंधकारी उसी जग मंडप में एक बांस के अंदर प्रवेश कर गया, बांस के लकड़ी के अंदर, और 7 दिन में भागवत सुनाए। और 7वां दिन, एक एक दिन जब पूरा होता था तो बांस का एक एक गांठ फटता था, और 7वां दिन पूरा फटकर और देव रूप जैसा पार्षद रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हुआ।
और गोकर्ण जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा, भैया आपने मेरा उद्धार किया, धन्य है भागवती वर्ता जो मेरे जैसे पापी का भी उद्धार किया। और तब तक भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए धुंधकारी को ले जाने के लिए। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि अरे भैया इस तरह की विषमता क्यों, इतने भरे हुए समाज में सब लोग भागवत सुने और आप केवल धुंधकारी को ले जा रहे हैं। तो भगवत पार्षद कहते हैं कि गोकर्ण जी सुना सबने है, लेकिन जिस तत्परता तन्मयता और श्रद्धा के साथ ये सुना है वैसा सब लोग नहीं सुन पाए हैं, इसलिए इसको पहले जाने दीजिए। अगर आप फिर से भागवत सुनाएंगे तो ये लोग भी अब योग्यता प्राप्त कर लिए हैं, आप दोबारा भागवत सुनाएंगे तो सभी लोग बैकुंठ जाएंगे। तो भगवत पार्षद के बात पर विश्वास करके धुंधकारी तो पहले चला गया, लेकिन फिर से भागवत की योजना तत्काल बनाई गई। गांव के लोग बड़ा उत्सुक थे कि भाई जब धुंधकारी का उद्धार हो गया तो हम क्यों रहेंगे यहाँ। सबके मन में लालसा बनी रही, सब फिर से सुने और भागवत ऐसे सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए गोकर्ण जी कि इस बार स्वयं भगवान आ गए। और वर्णन है कि जिस प्रकार अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम सबको लेकर साकेत चले गए, वैसे गोकर्ण जी अपने गांव के सभी लोगों को बैकुंठ भेज दिए सबको, और स्वयं भगवान गोकर्ण को अपने साथ लेकर के गोलोक चले गए, स्वयं भगवान आए थे। तो इस तरह से भागवत सप्ताह की महिमा है। फिर आगे भी भागवत के कुछ महिमा को छठवें अध्याय में वर्णन करते हैं कि सुनने की विधि और इसका विशद वर्णन सप्ताह श्रवण की। तो उसमें कहते हैं कि भागवत सुनाने वाले वक्ता की कुछ खास विशेषता है। उसमें सबसे पहली विशेषता है कि वो निष्प्रिय हो, विरक्तो, वैष्णव, विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टान्त कुशलो धीरो, वक्ता कार्योत निष्प्रिय। वक्ता कैसा होना चाहिए? जो शास्त्र की व्याख्या करने में समर्थ हो, उदाहरण प्रमाण देने में दक्ष हो, विवेकी हो, अत्यंत निष्प्रिय हो, विरक्त हो, और सबसे बड़ी योग्यता कि वो भगवान विष्णु का भक्त हो। अवैष्णव न मुख गृणाद श्यूतम हरि कथा मृतम। अगर भगवान का भक्त नहीं है तो उसके मुख से निकली हुई कथा सुनने लायक नहीं है। श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पोच्छिष्ट यथापय। जैसे गाय का ही दूध है लेकिन सर्प उसको जुठार दिया है, उच्छिष्ट बना दिया है, तो उसमें विष आ जाता है, उसको पीने से लाभ नहीं, आदमी मर सकता है। तो सबसे बड़ी योग्यता है कि वैष्णव होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, वेद शास्त्र का परंपरा से ज्ञान हासिल करना चाहिए, समझाने में उदाहरण देने में दृष्टांत कुशल होना चाहिए, धीर होना चाहिए, और बहुत झंझट वाला नहीं होना चाहिए, एक काम वो काम दुनिया भर के काम में के फेर में नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्ता को नियुक्त करके कथा सुननी चाहिए जो अनेक धर्मों के चक्कर में न पड़े, स्त्री लंपट न हो, पाखंडी न हो, और इस प्रकार कथा सुनने की योग्यता है। और भागवत के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। हे श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही, आप साक्षात कृष्ण है। सुकृतोषी मया नाथ मुक्त्यर्थे भव सागरे, आप कृपा कीजिए, मुझको स्वीकार कीजिए और निर्विघ्न रूप से आप मुझे श्रवण करने की योग्यता दीजिए सुनाने का। मनोर्थो मदीयम सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्न नैव कर्तव्य दासोयम तौ केशव। हे कृष्ण, मैं आपका दास हूँ, आपके विषय में सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझको ऐसा अवसर प्रदान कीजिए कि निर्विघ्न मैं आपकी वार्ता सुन सकूं। इसके साथ कथा सुनने की योग्यताओं में वर्णन करते हैं कि बड़ी निष्ठा श्रद्धा से भागवत की पूजा करनी चाहिए, वक्ता में श्रद्धा करना चाहिए और कथा निराहार रहकर सुनना चाहिए, संभव हो तो निराहार, नहीं तो फलाहार, अथवा सुविधा के अनुसार जैसे शरीर का मांग है, जिसे आप बढ़िया से सुन सकते हैं वैसी कथा सुनना चाहिए। अंत में कहते हैं उपवास से भोजन करना हम अच्छा मानते हैं यदि वह कथा में सहायता प्रदान करे तो।
भोजनम तू बनम मन्ने कथा श्रवण कार्यक्रम कितना छूट दे रहे हैं। आप बैठकर एकदम समाधि में विरासन पर या पद्मासन में नहीं, जैसी सुविधा हो वैसे सुनिए, आराम से सुनिए, भोजन करके सुनिए। नो उपवासो बरोपोक्तम कथा विघ्न करो, यदि अगर उपवास कथा में विघ्न डालने लगे तो मैं उससे अच्छा भोजन करके सुनना मानता हूँ। किसी तरह बाधा नहीं आना चाहिए। और पैर दर्द कर रहा है, कुर्सी पर बैठकर सुनिए, पैर फैलाकर सुनिए, आराम से सुनिए। सुनना मुख्य है, जिस तरह सुन सकते हैं वैसे सुनिए। तो जब भागवत की कथा धीरे धीरे पूरी होने लगी, प्रारंभ में तो भक्ति देवी आ गई, ज्ञान वैराग्य भी आ गए, और जब पूरा होने लगा तब देखिए क्या स्थिति होती है। वहां पर बड़ा ही सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ, स्वयं भगवान आ गए और भगवान के साथ भगवान के भक्त उद्धव, प्रहलाद, अर्जुन और सुखदेव गोस्वामी सभी लोग वहां उपस्थित हो गए और खूब जमकर कीर्तन होने लगा। भागवत के अंत में खूब कीर्तन हुआ, विविध जिसके पास जो कला था अपने कला का प्रदर्शन किया। अर्जुन वहां मृदंग वादन किए, सब लोग कीर्तन किए। सुखदेव गोस्वामी उस भरी सभा में घोषणा किए, इसी घोषणा के साथ हम कथा प्रारंभ करेंगे। कहते हैं, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः। कहते हैं मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण लोक प्राकृत अप्राकृत सारे लोगों के साथ मैं बोल रहा हूँ, यह रस स्वर्ग में नहीं है, सत्य लोक में नहीं है, ब्रह्मा के लोक में, इंद्र के लोक में नहीं है, ब्रह्मा के लोक में नहीं है, कैलाश में भी नहीं है, कैलाश की बात छोड़िए, वैकुंठ में भी ये रस नहीं है। अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचति करहिचित। इसलिए हे सद्भाग्यशाली, इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग, आप इस कथा को सुनिए सुनिए, छोड़िए मत, यह रस इसी पृथ्वी पर है जो अभी प्राप्त हुआ है। उस सभा में सभी लोग, प्रहलाद, उद्धव, बलि, अर्जुन, सारे पार्षद प्रकट थे, सब लोग भगवान के कीर्तन कर रहे थे आनंद से। और उसी भरी सभा में सुखदेव गोस्वामी ने घोषणा किया कि अतः पिबंतु सद्भाग्या, हे भाग्यशाली जन, मामा मुंचित कर ही चित, इस रस को छोड़ना मत, छोड़ना मत, अवश्य सुनते रहना। तो इस प्रकार अब हम भागवत प्रारंभ करते हैं, प्रथम अध्याय। तो श्रीमद् भागवतम प्रारंभ करते समय व्यास देव मंगलाचरण करते हैं तीन श्लोक में। तो आप चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों को एक बार स्मरण कीजिए। कहते हैं कि मंगलाचरण तीन प्रकार के होता है। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। मंगलाचरण के तीन विधा है, जिसमें अपने इष्ट को नमस्कार किया जाता है और जो कहना है उसको संक्षेप में सूत्र रूप में कहा जाता है और फिर श्रोताओं को आशीर्वाद दिया जाता है। ये मंगलाचरण है। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। और भागवत के मंगलाचरण है सबसे पहले इष्ट को नमस्कार, दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश और तीसरे में आशीर्वाद। तो अपने इष्ट को नमस्कार करते हुए व्यास देव कहते हैं, जन्माद्यशयतोन्वयादितरत साथे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति जत सूरय तेजो वारी मृदम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिनके विषय में कहना है उनको नमस्कार करते हैं, अपने इष्ट को, कृष्ण को। तो व्यास देव कहते हैं इस श्लोक में कि जस जन्माद्य जन्मादि जत, जिनसे इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और विनाश आदि होता है, अपने प्रभु के स्वरूप को बतला रहे हैं
कि जिनसे अस्य जन्मादि जतः भवती, जिनसे इस जगत की सृष्टि पालन और संहार होती है, और अन्वयात इतरतः, अन्वयात इतरतः, अन्वय व्यतिरेक भाव से जो इस विश्व के उपादान और निमित्त कारण है, जो जगत को सृष्ट करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन एक सिद्धांत बतलाते हैं कि वे अन्वयात इतरतः च। अन्वयात इतरतः का अर्थ है कि अन्वय और व्यतिरेक भाव से सृष्टि के इस विश्व के उपादान और निमित्त कारण है। मतलब इसको समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा विलंब होगा, सैद्धांतिक श्लोक है। कहते हैं कि जैसे घड़ा के निर्माण में, घट के निर्माण में मिट्टी जो है वो मूल वस्तु है, उपादान है, मूल कारण, लेकिन उसके निर्माण में कुछ और अनुसंगिक कारण है, जैसे कुम्हकार चाक, पानी, रस्सी, डंटा, उसमें अब मिट्टी में पानी डालता है, तैयार करता है, चाक कुम्हार होता है, और मिट्टी तैयार करके चाक पर रखता है, फिर उस डंटा से चलाता है और धागा से काटता है, इतने पदार्थ चाहिए। तो ये सब निमित्त कारण है, उसमें मूल वस्तु है घड़ा में मिट्टी। तो इसी प्रकार इस सृष्टि व्यापार के मुख्य मुख्य कारण है परम सत्य भगवान। भगवान का स्थान इस सृष्टि में वैसा ही है जैसे घड़ा में मिट्टी का, और मिट्टी के बिना घड़ा प्रस्तुत नहीं हो सकता। लेकिन अन्वयात का अर्थ है कि घड़ा में मिट्टी है लेकिन मिट्टी में घड़ा नहीं है। घड़ा के अंदर तो मिट्टी है लेकिन मिट्टी में घड़ा नहीं है स्वतंत्र रूप से। तो इस जगत के अंदर भगवान है लेकिन जगत भगवान नहीं है। यह बड़ा घटे मृदन वया युवा मृदि घट व्यतिरेक युवा, ये चक्रवर्ती ठाकुर टीका लिखते हैं। घटे मृदन, घड़ा में मिट्टी है, अन्वय है, घड़ा के अंदर मिट्टी है, अन्वय है, लेकिन व्यतिरेक इसके अतिरिक्त क्या है कि मृदि घट व्यतिरेक युवा, मिट्टी में घड़ा नहीं है, घड़ा में मिट्टी है। इस संसार में निश्चित रूप से भगवान है लेकिन ये संसार भगवान नहीं है, भगवान का स्वरूप प्राकृत नहीं है। इसलिए आगे कहते हैं कि अर्थेषु अभिज्ञ जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तर्तश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, अभिज्ञ अर्थेषु अभिज्ञ यह स्वराट। कहते हैं कि जो सृज असृज, जो सृष्टि हुआ है और जो नहीं हुआ है, उन वस्तुओं के जो अभिज्ञ है, जानकार है, और स्वराट, स्वराट का अर्थ है जो निरपेक्ष भाव से स्वतंत्र बिना किसी पर आश्रित हुए, जो स्वयं राजते हैं। ये जगत उन पर आश्रित है लेकिन वो जगत पर आश्रित नहीं है, वे स्वराज हैं, स्वतंत्र हैं। और जतः फिर आगे कहते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंती जत सूरय, तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, इस सृष्टि को रचते समय सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किए, और उत्पन्न करके ब्रह्मा के हृदय में अपने मन से संकल्प करके हृदय तेन ब्रह्म हृदय आदि कवय, ब्रह्मा को जो आदि कवि हैं उनके हृदय में सबसे पहले ज्ञान दिए, और अब उनसे विसर्ग कराते हैं, सृष्टि करके कुछ मूल वस्तु देकर ब्रह्मा को सौंपते हैं, और ब्रह्मा उस ज्ञान को लेकर सृष्टि किए अपने संकल्प से, जिन्होंने ज्ञान दिया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। और वो ज्ञान कैसा है, मुह्यंती जत सूरय, जिस ज्ञान में, जिस वेद को समझने में बड़े बड़े सूरी लोग, देवता लोग, विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा आदि देवगण भी मोहित हो जाते हैं, जिनको भगवान सबसे पहला चेला बनाए, जिनको ज्ञान दिए अपने विषय में, जगत की सृष्टि कराए, वही ब्रह्मा भगवान के अवतार लेने पर उनको समझ ही नहीं पाए, ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, मुह्यंती जत सूरय, ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा दिव्य स्वरूप है भगवान का कि समझने के बाद भी विस्मरण हो जाता है। अभी महात्म्य सुन रहे थे कि नारद जी भ्रमित हो रहे हैं क्या उपाय किया जाए, ब्रह्मा जी प्रथम शिष्य हैं भगवान के, फिर भी नहीं जान पाए कि ये
गोप बच्चों के साथ खेलने वाला स्वयं भगवान है। और इस प्रकार तेजो वाद मृदाम जथा विनिमयो, यही है भगवान की विचित्र सृष्टि। ये तेजो वाद मृदाम विनिमय, यह उदाहरण तेज जल और मृतिका के विपर्जय, एक वस्तु में अन्य वस्तु का विपर्जय हो जाता है। जैसे कांच को जल और जल को कांच मान लेना, ये भ्रम हो जाता है, समझ में नहीं आता है इस जगत की सृष्टि। जत्र त्रिसर्गो मिशा जथा, इसको कहना चाहते हैं कि इस प्रकार उल्टा होता है, और इसके कारण विपर्जय होने के कारण अज्ञान छा जाता है और समझ में नहीं पाते। भगवान ही प्राकृत है। जत्र तथा त्रिसर्ग, जिस प्रकार यह त्रिसर्ग है, सृष्टि है, पांच भौतिक या तीनों गुणों से सत्व रज तम से बनी हुई, ऐसे ही भगवान है, ऐसा भ्रम हो जाता है। भगवान पर भी गुणारोप हो जाता है मृषा, जबकि मिथ्या है, ऐसा नहीं है। जथा मृषा तत्र तथा त्रिसर्ग मृषा, ये सृष्टि मृषा हो सकती है लेकिन भगवान नहीं। लेकिन इस प्रकार सत्व रज और तम गुण त्रय की सृष्टि, इस प्रकार की बुद्धि भी मृषा है। और स्वयं धामना, अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा सदा निरस्त कुहकम, भगवान अपने स्वरूप शक्ति के द्वारा माया को सदा दूर रखते हैं। कुहक माने माया, दूर माया रहती है उनसे। वे हैं तम सत्यम परम धीमही, उस सत स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार इस श्लोक की बहुत लंबी व्याख्या है, सभी आचार्यों ने लिखा है। श्रीधर स्वामी तो एकदम लेख ही लिखते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको अपने ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर के थोड़ी सी टीका समझने के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं। सत्यम परम धीमहि का अर्थ करते हैं परम अतिशयन सत्यम, जो सर्वकाल देशवर्तिनाम धीमहि ध्यायम, सत्य है जो सभी काल में सभी देश में सब जगह जिनकी स्थिति है, वो है हमारे आराध्य, उनका हम ध्यान कर रहे हैं। और जिनसे जगत निकला है, जो सृष्टि के मूल कारण है, सृष्टि व्यापार में उस सत्य का संबंध है, जैसे घड़े में मिट्टी का। लेकिन मिट्टी के बिना घड़ा प्रस्तुत नहीं होता, घड़ा में मिट्टी है लेकिन मिट्टी में घड़ा नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। घटे मृदे अन्वय और मृदि घट व्यतिरेक, वह चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझने में बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। भगवान अपने स्वरूप शक्ति में रहते हैं, माया से प्रभावित नहीं रहते, अपनी स्वरूप शक्ति सुख से माया को निरस्त किए रहते हैं। धामना स्वेन निरस्त कुहकम, अपने धाम में विराजमान रहते हैं, उनको माया स्पर्श नहीं कर पाती। और कुहकम का अर्थ है माया, तर्क वितर्क, ये है कुहक, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये अज्ञान है। तो प्रेम भक्ति स्वरूप से भगवान अनुभव गम्य है, तर्क आदि से नहीं, ये चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। सत्यम परम धीमही को समझाने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कृष्ण तो कहा नहीं गया, हम सत्य का ध्यान करते हैं। यह श्लोक सभी संप्रदाय के लोग अलग अलग ढंग से अर्थ करते हैं, अद्वैतवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी, सभी लोग सत्य का अलग अर्थ करते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि सत्य कृष्ण के लिए है, क्योंकि कृष्ण एवं परो देवम तम ध्यायत गोपाल तापनिक, वही परम है। सत्यम कौन है? परम, परम सत्यम। अब परम का अर्थ है कृष्ण, कृष्ण एवं परो देव, वो सर्वश्रेष्ठ परम देव है, सुप्रीम पर्सनालिटी है। और महाभारत में कहा गया है कृष्ण के एक नाम को, सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, सत्यमत्र प्रतिष्ठित, असत्यात सत्यस्य गोविंद तस्मात सत्यो ही नामत। कहते हैं सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, कृष्ण सत्य में निवास करते हैं और सत्य कृष्ण में निवास करता है। असत्यात सत्यस्य गोविंद, सत्य का स्वरूप ही गोविंद है, इसलिए गोविंद का एक नाम सत्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों को सबको समझने लायक कि व्यास देव जिस कृष्ण को नमस्कार अपने मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में करते हैं,
वही सत्य देवकी के गर्भ में कंस के कारागृह में उपस्थित है और सभी देवता आकर उस गर्भस्थ सत्य को नमस्कार करते हैं। एक श्लोक में प्रथम श्लोक है, सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। देवता लोग ब्रह्मा शिव नारद गर्भस्थ शिशु जो देवकी के उदर में सत्य स्थित है उस सत्य को कृष्ण नहीं कह रहे हैं। प्रथम श्लोक में कहते हैं सत्य व्रतम, हे प्रभु आपका व्रत सत्य है, जैसा बोले वैसा कर दिए। आप कहे थे कि हम वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे, सत्य परम, वास्तव में आप ही सर्वश्रेष्ठ सत्य हैं, आप त्रिसत्य हैं, आप तीनों युगों में रहते हैं, तीनों लोकों में, तीनों कालों में सब जगह आप रहते हैं। त्रिसत्य की बहुत लंबी व्याख्या है, आपका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। वास्तव में सत्य की आप जोनी हैं, आपसे ही सत्य उत्पन्न होता है, सत्य से जोनी निहितम च सत्य, आप सत्य में ही निहित रहते हैं। सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, आप वास्तव में सत्य के स्वरूप हैं, सत्य को दृष्टि प्रदान करते हैं, आप सत्यात्मक हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, हम आपका शरण ले रहे हैं। तो वो सत्य कौन था देवकी के घर में जिनकी स्तुति हो रहा है, वह है श्री कृष्ण। इसलिए व्यास देव उस सत्यम परम धीमही वो कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। तो इस प्रकार धीमही शब्द बहुवचन में है, तो व्यास देव अपने समस्त शिष्य परंपरा आने वाले सारे आगामी परंपरा के साथ भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जितने लोग इस परंपरा को स्वीकार करेंगे उनके साथ हम आपका ध्यान करते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपने सगे संबंधियों के साथ भगवान का भजन करना चाहिए, यह कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार प्रथम श्लोक में भगवान को नमस्कार करके दूसरे श्लोक में भागवत में वस्तु निर्देश करते हैं कि इसमें रखा क्या जाएगा। भागवत के अंदर धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृतिभिः सुषुषुभिस्तत्क्षणात्। यह श्रीमद् भागवतम महामुनि श्री नारायण नारायण के द्वारा कहा गया है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि कौन है? व्यास देव मंगलाचरण कर रहे हैं तो अपने को तो महामुनि कहेंगे नहीं, तो ये नारायण को महामुनि कहते हैं। जो बद्री नारायण नारायण के द्वारा जिन जहां उपासना करते हैं, अपने उपास्य नारायण को नमस्कार करते हैं, जिनके मुख से भागवत सुने हैं, ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी नारद जी को और नारद व्यास को। तो मुनि कौन है? नारायण। और नारायण संक्षिप्त रूप से प्रकाशित भागवत दिए हैं जिसमें किसी प्रकार का मत्सरता नहीं है, सज्जन पुरुषों के आचरण करने योग्य है। यहाँ पर अर्थ धर्म काम मोक्ष की वासना सर्वश्रेष्ठ धर्म का निरूपण किया गया है, उसको निरस्त कुहकम, इसमें किसी प्रकार का कुहक नहीं है। धर्म प्रोजित कैत्रोत परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किमवा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्धते कृत भी सुश्रूषु भी तत्क्षणात्। कैतव प्रोजित कैत्रोत्र, कैतव मतलब कपट, यहाँ किसी प्रकार का कपट धर्म नहीं है, इसको प्रोजित उज्जित कर दिया गया, फेंक दिया गया है यहाँ से। सर्वश्रेष्ठ धर्म का निरूपण किया गया है, तीनों तापों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली परम कल्याणकारी वास्तव वस्तु माने परार्थ भूत परम तत्व का निरूपण किया गया है। इस भागवत शास्त्र में वर्णित जो धर्म है, जितने साधन है उन सारे साधनों से भगवान हृदय में कठिनता से आ सकते हैं, बल्कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन भागवत में जो वर्णित आचरण है उसको केवल श्रवण करने से साधक के हृदय में भगवान स्थिरता पूर्वक अवस्थान करने लगते हैं।
वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण है, जिसमें सबसे पहले यहाँ मुनि का अर्थ जीव गोस्वामी कहते हैं कि स मुनि भूत्वा समचिंत्यादिति, स्वयं भगवान ही समस्त मुनियों के उपास्य हैं, वो महामुनि नारायण, वही नारायण चतुर्थ श्लोक की भागवत बनाए और सबसे पहले ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा जी उसको देवर्षि नारद को दिए, नारद ने व्यास को दिया और व्यास ने इसकी रचना की। तो इसमें धर्म प्रोजित कैत्रोत अत्र कैतव धर्म प्रोजित, कैतव धर्म नहीं है श्रीमद् भागवत में, कैतव का मतलब है कपट धर्म, कपट धर्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की वासना जो है वो उज्जित फेंक दिया गया है। लोगों को एक वैदिक मर्यादा में फंसा कर रखने के लिए ये शास्त्र का एक कपटपूर्ण धर्म है जो वर्णाश्रम आदि, इधर उधर श्रृंखल व्यवहार न करे, कुछ उसको लोभ दे दिया जाता है, कुछ प्रलोभन, और उस प्रलोभन में पड़ कर धर्म अर्थ काम के फेरे में पड़ता है। तो धर्म अर्थ काम जो है वो स्वसुख प्राप्ति की कामना से भरा हुआ है, पैसा कमाएंगे तो हम सुख से रहेंगे, अच्छा मेंटेनेंस होगा हमारा, इसलिए अर्थ में लगे हैं कमाने के बिजनेस व्यापार में, और कुछ धर्म करेंगे तो बेटर सुख भोगेंगे स्वर्गादिक, और काम तो काम भोग है ही, तो अर्थ धर्म काम में स्वसुख वासना है, और मुक्ति में स्व दुख निवारण की कामना है, ये भी कामना है, मोक्ष भी एक कामना है, ये दुख समाप्त हो जाए, ये कैतव है, कपट है, जीव के साथ यह कपट किया जा रहा है, इसमें फंसकर जीव मरता रहे अर्थ धर्म काम में तो उसकी गति नहीं होगी। महाप्रभु तो कहते हैं कि चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्व कर्म करियाऊ से ही रौरव पड़ी मजे, अगर वह कृष्ण का भजन नहीं किया तो उसके साथ कपटपूर्ण धर्म सिखाया गया, वो फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता हुआ नरक भी जा सकता है, रौरव में भी जा सकता है, यदि कृष्ण का भजन नहीं है। कृष्ण का भजन क्या है? कैतव धर्म से रहित निष्कपट धर्म, तापत त्रयोन्मूलनम, ये माया जनित तापों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाला है श्रीमद् भागवतम। भागवत में अत्र वास्तव वस्तु, इसमें वास्तविक वस्तु का निरूपण है, वास्तविक वस्तु कौन है? अगर वस्तु वस्तु का निरूपण किया जाए ये वस्तु है ना, ये नहीं, ये नहीं, वेदों में ऐसा किया गया है, तब अंत में जो सार वस्तु है वो है अद्वैत तत्व ब्रजेन्नंदन, अद्वितीय अनपेक्ष सर्वाश्रय, वह है मूल वस्तु, तो उनकी वेद्यम उनकी जानकारी होता है श्रीमद् भागवत से। अशिवदम, वह कैसा वस्तु है? सर्वविध हितकारी कल्याणकारी, शिवदम कल्याणकारी वस्तु है, वस्तु है वास्तव वस्तु, शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, वेद्यम शिवदम कृति भी, कृति भी का अर्थ है सुकृतवान पुण्यवान, जो महत कृपा गुरु कृपा द्वारा पूर्ण निष्ठा विश्वास के साथ कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करना चाहता है, ऐसे भक्ति प्राप्त व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने की इच्छा करेगा तो हृदय वरुद्धते सुशुभि सुशुर्षुभि, उसके हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। सुशुर्षु का अर्थ है जैसे जिज्ञासु है जानने की इच्छा वाले, वैसे सुशुर्षु है, सुशुर्षु माने सुनने के लिए उत्सुक, निष्ठापूर्वक श्रवण की कामना पहली योग्यता है। अभागा और दुष्कर्मी नहीं भगवान को हृदय में प्राप्त कर लेगा, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है सुनने की लालसा नहीं है वो नहीं, ये पहली योग्यता है कि उसके हृदय में गुरु के कृपा से भक्ति रहना चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जब भक्ति का बीज प्राप्त हो गया है तब भागवत के श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, बीज नहीं है, कितना ही उर्वरक जमीन हो चाहे कितना ही उत्कृष्ट खाद पानी डाला जाए कुछ नहीं होगा, जब पुष्ट बीज है तब उसमें अंकुर निकलेगा। अब बीज ही सड़ा हुआ है मरा हुआ है तो धरती में कितना ही अच्छा जमीन है उसमें उगेगा ही नहीं। पहली योग्यता है कृति भी होना चाहिए, कृति भी का अर्थ है सुकृतवान पुण्यवान, और सुकृति क्या है?
कि वह भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया है, तब तो ये भागवत निश्चित रूप से कृष्ण को हृदय में ला देगी। नहीं तो एक प्रश्न आया था अभी जन्माष्टमी के समय, महाराज गुरु महाराज 7 दिन भागवत पर क्लास दिए, 1-1 घंटा सुबह, तो उसमें एक प्रश्न आया था, एक भक्त प्रश्न किया, जिज्ञासा एक दिन, कि बड़े बड़े वेदांती लोग जो वेद पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, बहुत तत्ववेता हैं, बड़े तत्वों की जानकार हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं करते, उनका हृदय और कठोर होता जाता है, सरस नहीं होता, ऐसा क्यों? इतना उर्वरक धरती है, वेद शास्त्र सब जानते हैं, तो उनको भक्ति और करना चाहिए। तो ये नाम कीर्तन करना, नाचना गाना रोना ये सब नहीं करते, अब शुष्क होते जाते हैं, क्यों? तो महाराज ने बड़ा ही सुंदर ढंग से समझाया था कि उनका शास्त्रों का अध्ययन आदि तो जमीन ठीक है, लेकिन उनके अंदर पहले से बीज नहीं है भक्ति का, भक्ति का बीज ही नहीं है, पुष्ट नहीं है, तो उसमें पौधा अंकुरित कैसे होगा? जब पौधा ही अंकुरित नहीं हुआ तो आप कितना ही सिंचाई कीजिए, कितना ही उत्कृष्ट खाद दीजिए, उसमें कुछ होने वाला तो है नहीं। तो इस प्रकार कृति भी होना चाहिए। कृति भी का अर्थ है गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होना चाहिए, तब भागवत का रस का स्वादन होगा। तो यह है भागवत की वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है, और इस भागवत को श्रवण करने वाले के हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं, वस्तु का निर्देश हो गया। अब है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत दव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका भुवि भाव का। तो हे रसिक जन, यह श्रीमद भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर, कल्प तरु निगम माने वेद, गलितम फलम एकदम परिपक्व फल है, और सुख मुखाद मृत दव संयुतम, ये सुखदेव रूप तोते के मुख से संबंध हो गया है। अगर कोई पका हुआ फल को तोता जुठा दे, छू दे, तो वह अत्यंत स्वादिष्ट माना जाता है। तो पका हुआ फल है, यह परमानंद सुधा से परिपूर्ण हो गया है, यह मूर्तिमान रस है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस है, इसमें छिलका गुठली नहीं है, केवल रस है, इसका कोई अंश त्याज नहीं है, पूरा रस है। एक बार ऐसे ही इस श्लोक की व्याख्या करते समय एक भक्त पूछ दिया कि रस है तो टीका कैसे है, कुछ तो छिलका गुठली होना चाहिए टिकने के लिए। अब इस समय के लोगों को ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए, रस भी फ्रिज में कठोर हो जाता है जम जाता है, जब घनीभूत रस जम कर ठोस हो जाता है, बर्फ रूप ले लेता है। इस प्रकार इसमें कोई छिलका कोई गुठली की जरूरत नहीं है, यह ऐसा रस है कि इसमें थोड़ा भी त्याज अंश नहीं है। इसे आम में रस है लेकिन इसमें छिलका और गुठली भी है और रस भी है, लेकिन इसमें कोई त्याग करने वाला चीज नहीं है। और मुह रहो पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम पिबत, जीवन पर्यंत इसको पियो, मुह रहो बार बार पियो, अहो रसिका भूई भाव का, अरे रसिक जन इसको पान करते रहो, अहो यह रस इसी भूई भाव का, इसी पृथ्वी पर है। जो सुखदेव गोस्वामी कहे हैं कि यह रस न सत्य न स्वर्गे न सत्य, वह भाव यह पृथ्वी पर है, यहाँ पृथ्वी पर सुलभ है, इसलिए इस द्रव को पियो। दिव्य रस स्वरूप माधुर्यात्मक वैशिष्ट प्रतिपादित किया गया इसमें, सर्व वेदों का परिपक्व फल है, सारे वेदों का निचोड़ फल भागवत के रूप में तैयार है। जैसे सनकादिक कहते हैं आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन नास्ते न स्वादते जथा सब भूय संप्रधक भूत फले विश्व मनोहरा। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर उसके तना पत्ता समस्त पेड़ में रस है, लेकिन उसके सुस्वादु रस का स्वादन तब तक नहीं होता जब तक वह फल के रूप में पक कर तैयार नहीं हो जाता। उसी प्रकार समस्त वेद शास्त्रों का निचोड़ जब भागवत के रूप में तैयार हुआ है, तब ये रस पीने लायक हो गया है।
तो इस तरह सुख मुखाद सुखदेव गोस्वामी के मुख से आस्वादन किया गया है, अमृत भरा हुआ है। और स्वामी पाद कहते हैं श्रीधर स्वामी कि यह फल अन्य फलों की तरह पृथ्वी पर सीधे टूटकर गिर नहीं गया है। कि मान लीजिए वेद के वृक्ष से टूटा और गिर गया, और गिरने के बाद कभी कभी होता है कि रसमय फल भी टूटकर गिरने से विरूप हो जाता है, उसमें कुछ विकृति आ जाती है, सड़ने लगता है या कुछ बिगड़ जाता है। तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं गिरा है, वह सुखदेव गोस्वामी के मुंह से आया और मुख परंपरा से उतरा है। नारायण के मुख से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मुख से नारद, नारद के मुख से व्यास, व्यास के मुख से सुखदेव, और सुखदेव के मुख से इस तरह शिष्य परंपरा से आया है सूत गोस्वामी। और इस तरह से आया है, उतरते हुए आया है, सीधे गिरा नहीं है। और यह न कहीं से फटा है न कहीं विकृत हुआ है, एकदम हु बहु उसी तरह है। इसलिए जीवन भर इस रस को पियो, आजीवन पियो। स्वाभाविक श्रद्धालु जन भाव का रसिका जो जानते हैं, रस तत्व के जानकार हैं, माने आस्वादन जिनको प्राण के समान प्रिय है वो है रसिक, ये अर्थ करते हैं। जिनको पिए बिना वो जी नहीं सकते। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, ब्रह्मा जी कहते हैं अपने स्तुति में कि जो इस रस को पीना जिनका जीवन है, सत्पुरुषों के मुख से भागवत पीते रहते हैं, इनकी जीवन शैली हो गई है, वो ऐसे भक्त लोग हे अजीत आपको भी जीत लेते हैं। आप संपूर्ण विश्व में अजीत नाम से जाने जाते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जो लोग आपकी लीला कथा को निरंतर सुनना अपना जीवन शैली बना लिए हैं, वो अजीतो अपि जीतो असी जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। जब आपकी कथा सुनते हैं तो अजीतो अपि जीतो असी, आप जैसे अजीत को भी अपने बस में कर लेते हैं। तो इस तरह भूवि अहो सौभाग्यशाली, इस पृथ्वी पर यह सुलभ है। सुखदेव गोस्वामी के भाव को याद करते हुए व्यास देव जब भागवत की रचना कर रहे हैं, भूवि कहकर अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं और अपने इस कृति की कृतार्थता का अनुभूति करते हैं। नारद जी के द्वारा बताए गए ज्ञान को आत्मसात करके जब भागवत रचना प्रारंभ किए तो मंगलाचरण में ही गदगद हैं व्यास देव, और कहते हैं कि यह पृथ्वी पर संभव है, पृथ्वी पर भूय भाव का यह रस पृथ्वी पर संभव है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रस। तो यह कहकर व्यास देव अपनी कृतार्थता व्यक्त कर रहे हैं कि मैंने जो करना चाहा आज कर लिया, जिसके लिए चिंतित थे, व्यग्र थे, जीवों का सम्यक हित नहीं हो पा रहा है, वेद की रचना किया, पुराण की रचना किया, इतिहास की, महाभारत की रचना किया, लेकिन जिस सर्वोत्कृष्ट सर्व सुलभ साधन का आश्रय लिया जाए, जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रकाशन प्रारंभ किया तो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। अब क्या कहना है, अब किस बात की चिंता है, अब तो यह सर्वोत्कृष्ट साधन पृथ्वी पर सुलभ हो गया, ये सार्वजनिक सुलभ हो गया, इसमें कोई बाउंड नहीं कि ये ब्राह्मण पढ़ेंगे, शूद्र नहीं, स्त्री नहीं, केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे या द्विज बंधु नहीं, ये सब बंधन नहीं है, सबके लिए सुलभ हो गया। इसको अनुभव करके व्यास देव गदगद हैं। तब कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवतम पीजिए पीजिए, पीबत भागवतम रसमालय मुह रहो रसिका भू भाव का, इसको पीजिए, इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। और कहते हैं पीबत भागवतम पीजिए आदेश नहीं दे रहे हैं, आदेश और आशीर्वाद दोनों दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हे रसिका, हे भाव का पीबत, पीते रहो, आशीर्वाद है, और पीते रहो आदेश भी है। तो इस तरह आप इसको पीते रहेंगे, ये आशीर्वाद दे, हम अब बनाकर दे दिए रस, आप पीते रहेंगे, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसके बाद अब आगे कथा प्रारंभ करते हैं व्यास देव कि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जो रोमहर्षण सूत सुना रहे थे वेद शास्त्र को, पुराण को, तो उनके साथ एक घटना दशम स्कंद में आपको सुनने को मिलेगा कि श्री बलराम जी के द्वारा उनका वध कर दिया गया, और उन ऋषियों की प्रसन्नता के लिए फिर उनके पुत्र को बलराम जी शक्ति संपादित करके और कथा सुनाने के लिए नियुक्त किए, रोमहर्षणी सूत। इस प्रकार अब एक दूसरे समय की घटना है
कि ऋषि लोग एक निर्णय पर आए थे कि कलयुग आ गया, अब हम यज्ञ करेंगे, 1000 वर्ष में पूरा होने वाले एक यज्ञ करेंगे कलयुग के दोषों की निवृत्ति के लिए। अपना हवन चल रहा था, वेद मंत्रों से अग्नि में हवन दिया जा रहा था, तब तक सूत गोस्वामी आ गए, रोमहर्षणी सूत। तो उन लोगों को पता था, शौनक आदि ऋषियों को, जो 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे थे, 1000 वर्ष में पूरा होने वाले यज्ञ, संकल्प था कि 1000 वर्ष करेंगे। तब तक जब सूत गोस्वामी आ गए तो सूत गोस्वामी के चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना करके वे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप अपने गुरु महाराज के कृपा पात्र शिष्य हैं, आपने वेद इतिहास को बढ़िया से पढ़ा है, व्यास देव की कृपा प्राप्त किया है। जब कोई शिष्य स्निग्ध होता है, गुरु के चरणों में सेवा करता है, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से सब कुछ अपने आप मिल जाता है। आप वेत्यम तम सौम्य तत्सर्वम ततस्त तदनुग्रहात ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्य से गुरु गुह्यमप्यत। आप जैसे स्निग्ध शिष्य से गुरु सब कुछ बता देते, कोई छिपाने वाली बात नहीं होती है। तो इसलिए हे सूत गोस्वामी, आप कृपा करके हम लोगों को कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसका उत्तर दीजिए। तो मुख्य रूप से इस अध्याय में 6 प्रश्न करते हैं शौनक जी, 88,000 ऋषियों के तरफ से शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। तत्व तत्ता जैसा जुस्मन भवता जद विनिश्चितम पुनसा में कांतता श्रेय तन्ना संसितुम अरहसी। उनका कहना है, उन प्रश्न है कि हे सूत गोस्वामी, आप कृपा करके समस्त शास्त्रों में, पुराणों में, गुरुजनों ने जो भी उपदेश दिया है, इस कलयुग के जीवों का कल्याण सहज साधन से प्राप्त हो जाए, वह बताइए। तत्त तत्तान जसा जुस्मन, अंजसा, अंजसा माने आसानी से, अंजसा भवता जद विनिश्चितम, आपने जो निर्णय किया है, इतना शास्त्र वेद पुराण बहुत पढ़े हैं, तो आपने जो निश्चित किया है, पुनसाम एकांततः श्रेय, जीवों का एकांतिक श्रेय क्या है, उसको कृपा करके हमें बताइए। पहला प्रश्न है प्रयोजन के विषय में, श्रेय क्या है, लक्ष्य क्या है जीवों का, इस जीवन में प्राप्त क्या करना है, और श्रेय कृष्ण प्रेम, तो उस प्रयोजन तत्व के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। प्रथम जिज्ञासा कि मनुष्य शरीर धारण किए हैं तो इसमें करना क्या है, क्या प्राप्तव्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन तत्व प्रथम जिज्ञासा है। इसके बाद अविधेय तत्व की जिज्ञासा करते हैं, साधन, वो प्रयोजन प्राप्त कैसे होगा। अतः साधो तजत सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न सद्धाना नाम जिनात्मा संप्रसिद्धति। जिससे जीवात्मा माइक वासनाओं से मुक्त होकर सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाए, वह सर्व शास्त्र का सारभूत वस्तु क्या है। जिस साधन को करने से जीवात्मा इस संसार के बंधन से मुक्त होकर बिल्कुल खिल जाए, प्रसन्न हो जाए, वह प्रबल साधन क्या है। अतः साधो तो यत सारम समुद्धृत्य मनीषया, फिर मनीषया कह रहे हैं, अतः अपनी बुद्धि से विचार करके आप निर्णय पूर्वक बताइए कि ब्रूहि, कहिए न हम लोगों से श्रद्धा नाम, अपनी योग्यता बतलाते हैं कि हम सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, हमको ऐसा साधन बताइए जिस साधन को करने से आत्मा प्रसन्न हो जाए। वो साधन अविधेय तत्व पूछ रहे हैं, उसको बताएंगे, अविधेय तत्व भक्ति है। और किस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव के यहाँ अवतीर्ण हुए। अब 3 प्रश्न में संबंध तत्व की जिज्ञासा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु इस पर बहुत जोर दिए हैं, संबंध तत्व, अविधेय तत्व, प्रयोजन तत्व, सनातन गोस्वामी से। तो संबंध तत्व की जिज्ञासा 3 श्लोक में करते हैं, 3 प्रश्नों में। सूता जनासी भद्रम थे भगवान सात्वताम पति ही देवक्यम वसुदेव से जातो जस चिकित्सया। हे सूत गोस्वामी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में भगवान किस उद्देश्य से अवतार लिए, देवकी और वसुदेव के यहाँ क्यों अवतार लिए, किस उद्देश्य से। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, तस्य कर्मार उदाराणी परिगीतानि सूर भी ब्रूहि न सद्धाना नाम लीलया दत्त कला।
फिर कहते हैं ब्रह्मांड में अवतीर्ण लेकर भगवान ने क्या किया, पहले भगवान के जन्म फिर कर्म, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। तो पहले भगवान के जन्म पर प्रश्न करते हैं, देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लिए भगवान, तो उस जन्म लीला को कहिए, फिर कर्म लीला को कहिए कि जन्म लेकर किए क्या। भगवान कहते हैं हमारा जन्म और कर्म बड़ा महत्वपूर्ण है, दिव्य है, और जो व्यक्ति हमारे जन्म और कर्म के रहस्य को जान जाता है वो मुझे प्राप्त करता है, यहाँ नहीं आता है। और इसके साथ साथ कृष्णावतार के विषय में जिज्ञासा किए, पांच प्रश्न हो गया, चार प्रश्न हुआ, चार में एक में श्रेय, दूसरे में साधन, तीसरे और चौथे में संबंध तत्व, कृष्ण तत्व के विषय में जिज्ञासा करते हैं। अब फिर इसी में एक और श्लोक पांचवा में पूछते हैं, पांचवा प्रश्न, अथाख्याई हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदतता स्वयरम ईश्वरस्य आत्माया। भगवान विभिन्न अवतार धारण करके क्या क्या कार्य किए, कृष्ण के अतिरिक्त नृसिंह, बराह, परशुराम इत्यादि अवतारों में भगवान ने क्या किया, भगवान का अन्य अवतार के विषय में जिज्ञासा। और अंत में छठवां प्रश्न है कि भगवान जब अपने धाम जाने लगे तो धर्म की रक्षा, जब चले गए तो धर्म की रक्षा कौन किया, धर्म किसके शरण में गया। ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म बरमणि स्वाम काष्टा मधुनो पेते धर्म कम शरणम गत। इसमें भागवत महात्म की कथा है कि भागवत में भगवान प्रविष्ट हुए, जिसको महात्म आप सुन चुके हैं। तो इस प्रकार प्रथम अध्याय में छह प्रश्न है और यही छह श्रीमद् भागवतम के पिलर है, इसी पर पूरा भागवत टीका है। सूत गोस्वामी इसी की व्याख्या करने में भागवत प्रस्तुत कर रहे हैं। ऋषियों के प्रश्न सुनकर सूत गोस्वामी सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी के चरणों का स्मरण करते हैं। सूत गोस्वामी ऐसे महान व्यक्ति हैं भागवत के वक्ता, जिनको व्यास जी का डायरेक्ट कृपा प्राप्त हुआ है, व्यास जी के चरणों की सेवा कर रहे थे, सूत वंश में जन्मे थे, पढ़ाई लिखाई वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन इतना स्निग्ध भाव से सेवा किए कि व्यास देव अचानक प्रसन्न होकर उनको आलिंगन किए और कहे बेटा जो ज्ञान मुझे प्राप्त है वो तुमको प्राप्त हो, आशीर्वाद। और एकाएक व्यास का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिए सूत गोस्वामी। गंगा तट पर महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी भागवत सुना रहे थे। परीक्षित महाराज तो मुख्य श्रोता थे ही, लेकिन सूत गोस्वामी दूर बैठे थे, उनको बुलाए निकट बैठो। और भागवत के अंत में कहते हैं कि मेरे बाद, परीक्षित तो भागवत सुनकर भगवत धाम जाएगा, लेकिन मेरे बाद इस ज्ञान को ये सूत ग्रहण करेगा और आने वाले भविष्य में नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सुनाएगा, भविष्यवाणी किए हैं। अब बारहवां स्कंद के चौथे अध्याय में अंत में घोषणा सुनेंगे, चौथे पांचवें अध्याय में बारह स्कंद के, तो वहां निर्देश किए सुखदेव गोस्वामी के सुनाएगा। और यहाँ स्वयं भगवान बलराम उसी रोमहर्षण सूत के बाद रोमहर्षणी जो उनका पुत्र थे उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं कि मैं इनको शक्ति संचारित करता हूँ, ये आप लोगों को सुनाएगा। तो जो व्यास का कृपा पात्र, सुखदेव गोस्वामी का कृपा पात्र और स्वयं बलराम जी का कृपा पात्र है, वो महान व्यक्ति भागवत बोलने जा रहा है। और जो ही भागवत बोलने की बात आई और जो ही शौनक जी प्रश्न किए, त्योही सूत गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी की कृपा की स्मृति होने लगी। इसलिए सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करते हैं। यम प्रवजन तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रे तन्मय तया तरोभिने दु तम सर्वभूत हृदय मुनि मान तोस्मि। कहते हैं जिस समय सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, अभी जग पवित्र भी नहीं हुआ था, तभी तक जो लौकिक वैदिक किसी कर्मों का अनुष्ठान नहीं हुआ था, तभी वे घर से संन्यास लेकर अकेले चल दिए, तुरंत जन्म लेते ही। और उनके पिता व्यासदेव विरह में कातर होकर हे बेटा रुको रुको, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। उनके बदले में वृक्ष पहाड़ पेड़ उनकी बोली टकरा कर लौटता था प्रतिउत्तर में, मानो वृक्ष ही उन्हें चिढ़ा रहे हैं, हे पुत्र व्यास बोल रहे हैं वही बात टकरा कर आ रही, हे पुत्र उनको चिढ़ाने जैसा आवाज आ रहा है।
और ऐसे सबके हृदय में विराजमान सुखदेव गोस्वामी जो भगवान के समान सबके हृदय में विराजमान है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उस भगवान के रूप में विराजमान मतलब जिनकी दृष्टि सब में भगवत स्वरूप है, सब में भगवान को जो देखते हैं, जो स्त्री पुत्र पुरुष में भेद ही नहीं कर पाते हैं, उस सुखदेव गोस्वामी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सबके हृदय में विराजमान भगवान को जो देखते हैं, ऐसी दृष्टि जिनकी है, सर्वभूत हृदयम तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, ऐसा मुनि जो सबके हृदय में विराजमान होकर भगवान को देखता है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और यह स्वानुभाव अखिल श्रुतिसार में कम अध्यात्म दीप मतिर तितीर्षता तमोंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनि नाम। फिर कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवतम अत्यंत रहस्यमय पुराण है, यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाले वेदों का सार है, अध्यात्म दीप, और संसार में फंसे हुए लोगों को इस अज्ञान अंधकार से पार जाने के लिए एक प्रकाशमय प्रज्वलित दीप है, अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य सुखदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है। उस सुखदेव गोस्वामी का हम शरण लेते हैं। तम व्यास सुनु, मैं व्यास पुत्र को मुपयामी, उनके शरण में जाता हूँ, गुरु मुनि नाम। यह बड़े बड़े मुनियों के बीच भागवत बोले हैं। जिस सभा में सुखदेव गोस्वामी उपस्थित हुए सभी लोग खड़ा होकर इनका आदर किया, केवल परीक्षित ही नहीं, परीक्षित के सभा में देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि सभी लोग थे, और सुखदेव गोस्वामी आए तो सब लोग खड़ा होकर अभिवादन किया। सुत गोस्वामी देखे थे, कहते हैं मुनियों के गुरु को हम नमस्कार कर रहे हैं, उनको प्रणाम करके तब कथा प्रारंभ करते हैं। फिर भगवान नारायण को जो मूल भागवत के वक्ता हैं उनको प्रणाम करते हैं, फिर सरस्वती देवी को व्यास देव को सबको प्रणाम करते हुए भागवत प्रारंभ करते हैं। तो भागवत प्रारंभ करते हुए दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दे देते हैं। दूसरा प्रश्न है साधन, आत्मा कैसे सम्यक प्रसन्न हो सकती, इस माया बंधन से मुक्त होकर आत्मा की प्रसन्नता कैसे। तो सूत्र रूप में बताते हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्ध थी। जीव के लिए सबसे श्रेष्ठ परम कर्तव्य यह है कि वो भगवान अधोक्षज की भक्ति करे, और वो भक्ति बिना कारण के अकारण अहेतुकी भक्ति करे, और वो अहेतुकी भक्ति अप्रतिहता हो, किसी काल से परिस्थिति से किसी कारण से बाधित न हो, तो आत्मा सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाएगा। जब बिना कारण के बिना प्रयोजन के बिना योजना के उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति इसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं, जिस तरह प्रहलाद महाराज ने किया। नृसिंहदेव पूछते हैं कि बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो, मेरा स्वभाव है देने का, तो कहते हैं मैं सौदा करने नहीं आया हूँ, मैं बनियागिरी नहीं करने आया हूँ, कि भक्ति किया तो बदले में चाहिए। अरे नहीं, मांग लो, कुछ मांग लो, मेरा स्वभाव है। कहते अच्छा आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, हमारे मन में कभी भी किसी वस्तु की कोई लालसा न हो। तो इस तरह से यह अहेतुकी भक्ति, मैं भक्ति भक्ति के लिए किया हूँ कि कुछ बदले में लेने के लिए किया हूँ। और अहेतुकी भक्ति अगर किया जाए और वो अप्रतिहता हो, हत न हो किसी कारण से, और धर्म का कितना ही अनुष्ठान किया जाए खूब बढ़िया से, धर्म स्वनिश्चित पुनसम विश्वक्सेन कथा सुजत नोत्पादे यदि रतिम समय वही केवलम। कहते हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, भक्ति योग जो है वो भगवान कृष्ण की भक्ति व्यक्ति के अंदर वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न करा देता है अपने आप। भक्ति के तो बेटा है ज्ञान वैराग्य, अलग से ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं है, भक्ति जिसके पास है उसको ज्ञान और वैराग्य हो जाएगा अपने आप, क्योंकि उसके पुत्र हैं। इसमें बतला रहे हैं आगे कि धर्म का अनुष्ठान खूब बढ़िया से किया जाए लेकिन भगवान की कथा में रुचि नहीं उत्पन्न हुई, खूब यज्ञ हुआ, हवन हुआ, मंत्रोच्चार हुआ, खूब घी समीधा डाला गया लेकिन कथा में रुचि नहीं उत्पन्न हुई, लीला कथा में इंटरेस्ट नहीं बढ़ा, तो नोत पादय यदि रति
श्रम है वही केवलम, केवल परिश्रम हुआ। तो भक्ति का अर्थ है श्रवण, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाना, और यही प्रबल साधन है श्रवण कीर्तन। तो इसको बताते हैं, इसके बाद पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, एकांतिक श्रेय क्या है व्यक्ति का। कहते धर्म से ह्याप वर्ग से नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थ धर्म कांत कामो लाभाय स्मृत। धर्म से ह्याप वर्ग से नार्थो अर्थायोपकल्पते, धर्म का फल मोक्ष और उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। धर्म किया जाता है इस झंझट से मुक्त होने के लिए, और न कि और भोग जुटा ले, उत्कृष्ट भोग प्राप्त कर ले। इसके लिए धर्मैश धर्मस्य, धर्म का फल है मुक्ति, झंझट से मुक्त हो जाए। लेकिन ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थायपकल्पते, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है कि कुछ धर्म किए, कुछ अनुष्ठान किए और कुछ धन प्राप्त हो जाए। अगर धन प्राप्त हो गया तो अर्थ केवल धर्म के लिए होना चाहिए। अगर धार्मिक अनुष्ठान करने से, कुछ यज्ञ करने से, पुण्य करने से, तीर्थ करने से, दान देने से कुछ धन प्राप्त हो रहा है, तो उस धन का नार्थो अर्थायोपकल्पते, धर्म का लक्ष्य धन नहीं और धन का लक्ष्य भोग नहीं, धन का लक्ष्य धर्म है। कामस्य निंद्रिय प्रीति नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। भोग विलास धन का उद्देश्य नहीं है, धन का उद्देश्य है भोग का फल, इंद्रिय तृप्ति नहीं है। भोग प्राप्ति हो गया तो खूब इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। अर्थ केवल धर्म के लिए होना चाहिए। जीवन में कुछ कमाए हैं तो वो धर्म के लिए, और धर्म प्राप्त करते हैं इस झंझट से मुक्त होने के लिए। धीरे धीरे क्रम बता रहे हैं कि धीरे धीरे इस अर्थ धर्म काम मोक्ष में लगे हैं। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो इस चारों की व्याख्या करते हुए कहते हैं धर्मस्य ह्याप वर्गस्य, धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान होने पर मनुष्य के हृदय में भगवान के लीला कथा आनी चाहिए, नहीं आया तो बेकार। धर्म का फल मोक्ष है, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। धर्म इसलिए नहीं करें कि हमको धन मिले, अर्थ केवल धर्म के लिए है, और धर्म केवल मुक्ति के लिए है, और भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है अर्थ का। अर्थ अगर कुछ कमाए, धन रुपया पैसा की जरूरत है, उसकी सार्थकता है कि उसे धर्म किया जाए, अर्थ से काम नहीं। अर्थ का लक्ष्य काम नहीं है, काम तो बंधन में डालने वाला है। निजे इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के उपाय करते हैं वो काम है। हम अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं और मुलायम स्पर्श चाहते हैं, तो यह काम है, अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। अर्थ अगर प्राप्त हो रहा है तो उस अर्थ से धर्म करें, उसे ग्रंथ छपवाएं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटे, भागवत की आयोजन करें, धाम की यात्रा करें, जितना हो सके उसमें धन को लगाना चाहिए। ये धार्मिक अनुष्ठान में, धर्म के योजना में अर्थ की सार्थकता है। नार्थस्य धर्म ही कांत से कामो लाभाय, कामो लाभाय स्मृत। याद रखना चाहिए, वास्तव में ये सत्य है कि काम नहीं है धन का उद्देश्य, धन का उद्देश्य धर्म है और धर्म का उद्देश्य मोक्ष। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी। बड़ा सुंदर ढंग से समझाते हैं कि भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है अर्थ का कि जीवन निर्वाह हो ठीक ढंग से। पैसा रुपया रहे तो जीवन के जो आवश्यकता है, भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य, उसकी रक्षा हो, और उस जीवन निर्वाह का फल है, अच्छा से जीवन चल रहा है, तो उसका क्या फल है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। अगर शरीर ठीक ठाक है तो उसे तत्व जिज्ञासा करना चाहिए। नार्थो यस्य कर्म भी, बहुत कर्म करके स्वर्गादिक भोग की प्राप्ति नहीं, तत्व जिज्ञासा। तब तत्व की, तत्व के, तत्व क्या है तब बतलाते हैं। बदंती तत्व विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। कहते हैं तत्ववेता लोग
इस ज्ञे तत्व को तीन भाग में बांटते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और यह जो है, यह है जीवन का लक्ष्य, इसको जानना है। भगवान इति शब्द थे, यह तत्व जिज्ञासा जीवन की उद्देश्य है, इसके विषय में हम जिज्ञासा करना चाहिए। तो ये ब्रह्म परमात्मा भगवान तो बहुत बड़ा तत्व है, इसकी व्याख्या में तो बहुत विलंब होगा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, इस विषय को बहुत क्लियर किए हैं श्रील प्रभुपाद कई जगह, कि ब्रह्म परमात्मा का एक निर्विशेष रूप है भगवान का, और सबके हृदयस्थ परमात्मा की जो सेकेंड स्टेप है समझने का, और भगवान मतलब भगवान का पूर्ण स्वरूप। तो इसको कई उदाहरणों से समझाने का कोशिश किए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आगे इस अध्याय में बताते हैं कि वही भगवान जब अलग अलग जीवों के अनुसार श्रद्धालु मुनिजन अथवा पुंबी द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वानुतिष्ठ से धर्म से संसिधि हरितोषणम, ऐसे अलग अलग लोगों का स्तर है, स्टैंडर्ड है, एक प्रकार के सभी लोगों की क्षमता नहीं है। तो अलग अलग स्तर के अनुसार लोगों के क्षमता और योग्यता के अनुसार धर्म की अलग अलग विभाजन किया गया, अलग अलग स्तर से वर्ण आश्रम, यह जो व्यवस्था किया गया है लोगों की अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, जैसा जिस स्तर का, शूद्र स्तर का है तो अपने स्तर से विकास करे, वैश्य है तो उससे अपना विकास करे, क्षत्रिय है तो उसे विकास करे, ब्राह्मण है तो जैसी जिसकी क्षमता है, स्तर है, उसे धार्मिक विकास करने के लिए वर्णाश्रम विभाग किया गया है। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि सबको अंत में वहीं आकर रुकना है, जो संसिधि हरितोषणम, स्वानुतिष्ठ से धर्मस्य, उस धर्म विकास का, प्रोग्रेस का अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। भगवत प्रसन्नता ही धर्म के पूर्ण सिद्धि है। सब धर्म करते 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 हरि प्रसन्न हो गए तब धर्म का पालन ठीक ढंग से हुआ, नहीं तो तरह तरह के लोग तरह तरह के स्तर से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं और बीच में ही फंस जाते हैं। देवर्षि नारद व्यास देव को डांट रहे थे कि स्वभाव रक्त से महान व्यतिक्रम, लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार धर्म में विलीन होते जा रहे हैं और तुम उन्हीं धर्मों की व्याख्या कर दिए हो। तो इस तरह से श्रीणवताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ हो भद्राणी विधनोति सहिताम। इसलिए हे सौनक आदि ऋषियों, आप भगवान के पवित्र जस का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, यही व्यक्ति को सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला है और कृष्ण को प्राप्ति कराने वाला है। इसको सुनने से, भागवत को सुनने से भगवान हृदय में आ जाते हैं और सारे दुर्गुण को समाप्त कर देते हैं, उनके आते हैं जैसे इस बल्ब को ज्यों ही ऑफ कीजिए अंधकार हो गया रात्रि में, और अलग से अंधकार को भगाने का कोई प्रयास नहीं करना है, इसको ऑन कर दीजिए बस अंधकार चला जाएगा। भगवान को श्रवण और कीर्तन के माध्यम से हृदय में लाइए, जैव हृदय में आएंगे अज्ञान समाप्त, विधनोति सुहित सताम, हृदय के अंदर आने वाले अभद्र को नष्ट कर देते हैं। नष्ट प्रायेशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, जब भगवान के विषय में सुनते हैं तो अभद्र नष्ट हो जाता है। अब भगवती उत्तम श्लोक है भक्ति भवती नैष्ठिकी, भगवान उत्तम श्लोक में नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है कथा सुनने से। अतो वही कवयो नित्यम भक्ति परमया मुदा, इसलिए बड़े बड़े विद्वान लोग इस भक्ति को बड़ा आनंद से करते हैं। वासुदेव भगवती कुरियात आत्म प्रसादनी, भगवान वासुदेव की भक्ति व्यक्ति को प्रसन्न कर देती है। और इस प्रकार अलग अलग स्तर के लोग, सत्व रज तम में रहने वाले प्राकृतिक गुणों से युक्त व्यक्ति, इस संसार में विविध प्रकार से अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की भक्ति करता है। सत्व रज तम से प्रभावित होकर जब व्यक्ति भजन करता है या कुछ करना चाहता है तो उसे उसको खास लाभ नहीं होता है, क्योंकि इन गुणों से, प्रकृति के गुण से जगत की सृष्टि पालन संहार होता है और इन गुणों के प्रभाव से व्यक्ति इस प्राकृत जगत में फंस जाता है। इसलिए इस रजस्तमो भाव से जो व्यक्ति भजन करते हैं उनको सुख और शांति नहीं मिलता। रजस्तम प्रकृति शमशीना भजंती वही भूत पितृभूत प्रजेशा दिन श्रेय स्वर्ज प्रजेप सव,
वे लोग इस प्राकृत जगत में ही फंसे रहते हैं। रजोगुणी और तमोगुणी लोग अपने समान शील वाले देवताओं की आराधना करते हैं, ऐसे भूतपतियों की आराधना करते हैं और ऐसे प्रजापतियों की आराधना करके इस प्राकृत जगत में ही रह जाते हैं। और इससे ऊपर सतगुणी प्रवृत्ति के लोग जब शुद्ध भाव से भजन करते हैं, सत्व को भी शुद्ध करते हैं, विशुद्ध सत्व, तब वे समझते हैं कि वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव पराजोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। इस प्रकार वासुदेव ही वेदों के सार हैं, वही सारे यज्ञ के सार हैं, सारा योग उनके लिए किया गया है, समस्त क्रियाओं का उनमें ही अंतिम लक्ष्य है। वासुदेव ही परम ज्ञान है, समस्त वेद शास्त्र का अध्ययन उनको जानने के लिए है, समस्त तपस्या उनके लिए है, उन्हीं की भक्ति परम श्रेष्ठ धर्म है, जीव का अंतिम लक्ष्य वही है, गति वही है। यह वास्तव में वास्तविक स्थिति है। इस प्रकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान ही इस संसार की इस रूप में रचना किए और इन जीवों के हृदय में भगवान ही सूक्ष्म रूप से भूत तन्मात्रा इंद्रिय और अंतःकरण जितने काम कराए अवयव जिसमें करंट है, वो जीवत्व भगवान की शक्ति है। तो समस्त योनियों का निर्माण करना, शरीर बनाना और उनमें भिन्न भिन्न रूप से सूक्ष्म रूप से प्रवेश करके और उन योनियों के अनुसार उन भोगों को भोगना, ये भगवान की एक विचित्र लीला है। इसी उद्गो स्वामी कहते हैं भगवान ही इस विभिन्न आकार में संसार बनाए, भगवान ही सभी जीवों के रूप में अंश रूप में रहते हैं और इन जगत को भोगते और भोग कराते हैं। इस रूप में वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और विविध शरीर देवता पशु पक्षी अनेक रूपों में आते हैं, लीला करते हैं और वही भगवान इस जगत में जीव जब फंस करके भोग में लिप्त हो जाता है, सोचता है हम ही भोगता है, मुख्य भोगता भगवान को भूल जाता है, तब भगवान समय समय पर आकर अवतार लेते हैं और उसके इस दुष्प्रवृत्ति को नष्ट करके उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग जो भगवान का विरोध करते हैं, भगवान के भक्तों को सताते हैं, उन दुष्टों का संहार करते हैं और इस प्रकार भगवान की विविध अवतार होता है। फिर आगे के अध्याय में कहते हैं कि वही यज्ञ पुरुष, वही परम पुरुष भगवान नारायण अनंत अवतार के अक्षय कोष हैं, समय समय पर अवतार लेते हैं। तीसरे अध्याय में कहते हैं एतन नाना अवताराणाम निधानम बीजम अव्ययम जस्यांशे न सृजन्ते देव तिर्यंग नरादय। वही अपने अंश से देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि जोनियों की सृष्टि करते हैं और फिर उसकी व्यवस्था देखने के लिए समय समय पर आते हैं। तो एक अवतार का लिस्ट प्रस्तुत करते हैं सुत गोस्वामी तीसरे अध्याय में। कहते हैं कि सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के द्वारा सनत कुमार के रूप में भगवान का अवतार हुआ, सत्यावेश अवतार। तो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, तो इस चतुष कुमार के रूप में भगवान सृष्टि के प्रथम अवतार हैं। ये अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए और भगवत तत्व की ब्रह्मानुभूति और कृष्ण तत्व की जिज्ञासा किए ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो भगवान स्वयं हंसावतार लेकर के इनको उपदेश किए और यही चतुष कुमार अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए, ब्रह्मा जी के सृष्टि में सहयोग नहीं किए, भजन किए भगवान का। दूसरे बार जब मनु महाराज की सृष्टि करके भगवान ब्रह्मा मनु महाराज को पृथ्वी का राज्य सौंपा और कहा कि मानव सृष्टि करो, मनुष्यों की सृष्टि करो, बताए हुए अनुसार जब मनु महाराज पृथ्वी का खोज करने लगे तो पृथ्वी का पता ही नहीं चला, पूरा ब्रह्मांड घूम कर आए, कहे कि तो मैं तो घूम रहा हूँ, जगह ही नहीं मिला, पृथ्वी मिली ही नहीं। तो ब्रह्मा जी बड़ा चिंतित हो गए कि क्या हो गई पृथ्वी, तो समाधि में बैठ करके सोच रहे थे तब तक छींक आया, मटर के दाने के बराबर उनके नाक से एक छींक आया और वो सूकर का रूप था और धीरे धीरे देखते हुए सत्यलोक में वो भयंकर स्वर्ण मंडित सूकर उत्पन्न हो गए ब्रह्मा के छींक से। और उन्होंने भविष्यवाणी किया, चिंता मत करो, मैं अभी पृथ्वी को खोजता हूँ।
तो रसातल में गई हुई हिरणाक्ष के द्वारा छिपाई हुई पृथ्वी को भगवान वराह देव लेकर आए और उसी रास्ते में हिरणाक्ष का वध किए। अभी सारे लीला कथा सारे अवतार अपने कथाओं से भरी पड़ी है, मैं केवल लिस्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ जैसे सूत गोस्वामी प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद तीसरे बार तो भगवान ब्रह्मा के गोद से देवर्षि नारद उत्पन्न हुए, भक्ति के आचार्य के रूप में जो नारद पंचरात्र आदि भक्ति का उपदेश किए, जो प्रहलाद ध्रुव जैसे महान प्रभृतियों के गुरु हैं, तो ये देवर्षि नारद तीसरा अवतार है। चौथा अवतार में भगवान नर नारायण धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान स्वयं नर नारायण के रूप में आए और इंद्रिय संयम रूप कठिन तपश्चर्या का पालन बद्रिक आश्रम में आज भी करते हैं और भारतवासियों के आराध्य हैं नर नारायण। ब्रह्मा के पुत्र करदम जी तपस्या किए, सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन के लिए भगवान की आराधना किए और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो निष्कपट भाव से करदम जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरे अनुरूप मुझे पत्नी दीजिए, मेरी योग्यता देखकर मैं जैसा हूँ, जिससे मैं अपने पिता की आज्ञा पालन कर सकूं। तो भगवान इतना खुश हुए, अपनी योग्यता तो भगवान की भक्ति है, वे इतना भक्ति किए थे, इतना भजन किए थे, करदम जी सृष्टि करने लायक नहीं थे, केवल भजन करने लायक थे, लेकिन उनके ऊपर पिता का आज्ञा इतना भारी पड़ रहा था, कहते उनकी आज्ञा पालन कर सकूं लेकिन योग्यता मेरा देखकर पत्नी दीजिए। तो भगवान कहे कि आपको मनु महाराज की तीसरी बेटी देहूति प्राप्त होगी, परसों मनु महाराज लेकर आएंगे, आप स्वीकार कर लीजिएगा और उससे आप 9 कन्याओं को उत्पन्न करेंगे जो महान प्रजापतियों की पत्नी बनेंगी और इससे जगत की सृष्टि आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आपके इस दंपत्य को देखकर, आपकी योग्यता को देखकर मुझे भी लोभ हो रहा है कि 10वां संतान के रूप में स्वयं मैं आऊंगा। भगवान बिना डिमांड के पुत्र बन गए, एक अद्भुत कथा है। कोई मांग नहीं किए करदम जी की आप मेरा बेटा बनिए, लेकिन भगवान अवतार लिए, कहे मैं अपना प्रयोजन सिद्ध करूंगा, संख तत्व का विवेचन करना है, मैं आपको पिता बनाऊंगा और देहूति को माता, अपनी इच्छा से। तो इस प्रकार 5वें अवतार में भगवान कपिल देव आए जो संघ शास्त्र तत्व निर्णायक उपदेश किए और 6ठे अवतार में अनसुईया इनकी देहूति की पुत्री हैं करदम जी के, तो 9 पुत्रियों में एक अनसुईया जी हैं। तो अनसुईया अत्रि मुनि से ब्याही गई, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, और उससे भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ जो दत्तात्रेय के रूप में। क्योंकि ये अत्रि और अनसुईया एक ऐसी तपस्या की मांग किए कि जो जगत की सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं, वे प्रभु मुझे दर्शन दे। तो भगवान तीनों प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कहे कि मैं तो एक का भजन किया, आप तीनों कैसे आ गए? तो बतलाए कि तीनों हम इसलिए आ गए कि आप हमको तीन रूप में पुकारे, क्या चाहिए? अनसुईया जी कही आप तीनों मेरा पुत्र बन जाइए। तो तीनों अनसुईया के पुत्र बने हैं, विष्णु अंश से दत्तात्रेय और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शिव के अंश से दुर्वासा मुनि, उग्र दुर्वासा ऋषि। तो ये तीनों अनसुईया के पुत्र हैं, दत्तात्रेय जी विष्णु के अवतार हैं। और रुचि प्रजापति आकुति के गर्भ से यज्ञ पुरुष को उत्पन्न किए। ये दत्तात्रेय जी क्या किए, इनके कार्य को भी बताना है। दत्तात्रेय जी अलर्क प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किए, 24 गुरु बनाए और जगत में शिक्षा दिए। और यज्ञ पुरुष भगवान स्वयंभू मनवंतर की रक्षा किए और स्वयंभू मनवंतर के मनवंतरावतार हैं, इन्होंने उनकी रक्षा की और इंद्र पद को भी संभाला। तो इस प्रकार 8वें अवतार में भगवान ऋषभदेव नाभि महाराज की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से आए जो परमहंस मार्ग का प्रवर्तन किए। इसी ऋषभदेव के पुत्र हैं महाराज राजर्षि भरत और 9 जोगेंद्र, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुध पिपलायन, ये 9 जोगेंद्र इनके पुत्र हैं और राजर्षि भरत। तो इन्होंने परमहंस धर्म का प्रवर्तन किया। 9वें अवतार में बेन के शरीर मथने से भगवान का एक सत्यावेश अवतार हुआ पृथु महाराज, जो पृथ्वी के समस्त औषधियों को दोहन करके प्राप्त किया। और 10वें अवतार 11वें 12वें 13वें 14वें
यहाँ पांच अवतार बिना माता पिता के हुआ है, अब इनके माता पिता का क्या नाम रखेंगे, इसलिए उनके कर्मों का वर्णन किया जाएगा। मत्स्यावतार, मत्स्यावतार सत्यव्रत मुनि जो वैवस्वत मनु है, इनको पृथ्वी का नौका बनाकर पूरे प्रलय काल में जल विहार कराए और अपने विषय में ज्ञान दिए, वो भगवान मत्स्य, जिसकी कथा आठवें स्कंद के अंतिम अध्याय में आएगा। मत्स्यावतार भगवान के दसवां अवतार के लिस्ट में है। फिर भगवान कश्यप, इनके भी कोई माता पिता नहीं है। समुद्र मंथन के समय मंदराचल को जब डाला गया समुद्र में तो डूब गया, तो अब भगवान कश्यप के रूप में उस मंदराचल को लेकर आए, और देवता और असुर मिलकर जब समुद्र मंथन करने लगे तो भगवान कश्यप के पीठ पर जब रगड़ होता था तो सूत गोस्वामी अपने स्तुति में कहते हैं कि उस प्रभु को सुख की नींद आ गई। महाराज श्री कहते हैं जो अपने को भगवान बनता है, घोषणा करता है कि हम भगवान है, अवतार है, तो उसके पीठ पर पत्थर रगड़ना चाहिए भारी, एक दो क्विंटल का पत्थर रगड़ना चाहिए, अगर सो जाए तो मान लेना चाहिए कि भगवान है। तो भगवान कश्यप के शरीर पर वो मंदराचल पर्वत रगड़ा जा रहा था और उनको सुख से नींद आ गई, आनंद से सो गए। तो ये समुद्र मंथन के समय अपने पीठ पर मंदराचल धारण किए थे, और उसी समुद्र मंथन के समय भगवान का एक अद्भुत अवतार हुआ, अमृत लेते हुए धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर आए, और जब उस अमृत को भगवान धन्वंतरी के हाथ से लेकर भाग चले असुर, और हम पूर्वम हम पहले पियेंगे, हम पर जो बलवान था उस दूसरा तीसरा से तीसरा चौथा से छीनकर भाग रहा था, और देवता लोग हक्का बक्का, अब क्या होगा, मेहनत इतना किए, अमृत तो चला गया। तो देवता लोग भगवान की तरफ देख रहे हैं तो भगवान सांत्वना देते हैं, देवताओं के साथ भगवान प्रत्यक्ष खड़े थे अजीत के रूप में, और उधर एक तत्काल अवतार धारण करते हैं मोहिनी, और मोहिनी अवतार से असुरों का चित अपने में खींचते हैं, और बड़ी सहज भाव से, कथा जब आएगा तब सुनिएगा, जब बड़े सहज भाव से अपने हाथ में अमृत कलश लेते हैं और असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाते हैं। और इसके बाद बिना माता पिता का एक अवतार है नृसिंहदेव। नृसिंहदेव मत्स्य अवतार, कश्यप, धन्वंतरी, मोहिनी और नरसिंह, ये पांच अवतार बिना माता पिता के हैं। ये दैत्य राज हिरण्यकश्यपु को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा किए, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद भगवान वामन देव, अब माता पिता से उत्पन्न हुए हैं। एक कश्यप जी को पिता बनाकर अदिति के गर्भ से भगवान वामन देव का अवतार हुआ, जो दैत्य राज बलि के सामने याचक बनकर गए और तीन डेग पृथ्वी मांगने के बहाने संपूर्ण लोक को मांग लिए और अपने भाई इंद्र को दे दिए, और बदले में बलि के ऋणी हो गए, गेटकीपर होकर सूतल लोक में रहते हैं। तो इस प्रकार वामन देव का अवतार हुआ। और भगवान परशुराम, एक ऋषि में भगवान की शक्ति आई और वो जमदग्नि ऋषि के पत्नी रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का अवतार हुआ। वे ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों को, जो वेद द्रोही, ब्राह्मण द्रोही, धर्म द्रोही क्षत्रियों का 21 बार संहार किए भगवान परशुराम। फिर व्यास देव, पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान व्यास देव के रूप में आए, कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने वेद शास्त्र पुराण इतिहास श्रीमद भागवत आदि को लिपिबद्ध किया, जिनके कृपा से ग्रंथ रूप में भागवत मिला है। और इसके बाद भगवान श्री राम, जो अयोध्यापति दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ से अवतार लिए और जिन्होंने सेतु बंध, रावण वध आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद कृष्ण बलराम, श्री वसुदेव जी के पत्नी रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम और देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण, पृथ्वी के बढ़े हुए भार को अनेक रूपों में हल्का किया, महाभारत युद्ध के रूप में, जादव संहार के रूप में, छीटफूट जरासंध आदि असुरों से युद्ध करके अद्भुत अलौकिक लीलाएं किए ये भगवान श्री कृष्ण। इतनी कथा तो कह दिए सुत गोस्वामी। इसके बाद कहते हैं अब भविष्य में कुछ अवतार होगा। हाँ, भविष्य की तो उसको कहते हैं वो होगा बुद्ध अवतार।
और मगध में बिहार में अजन पुत्र के रूप में भगवान बुद्ध आएंगे, जो देवद्रोही दैत्यों को मोहित करेंगे और अहिंसा धर्म का प्रवर्तन करेंगे करेंगे भविष्य में बोल रहे हैं। हम लोगों के समय हो चुका है। इसके बाद फिर अंत में कल्कि, जो विष्णु जस ब्राह्मण के यहाँ आएंगे और लुटेरे राजाओं का वध करेंगे अपने हाथों से, जो दुष्ट राजा है उनको काटेंगे तलवार से। इस प्रकार 22 अवतार के लिस्ट को सूत गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं। दो अवतार और आचार्य लोग गिन देते हैं, एक हंसा अवतार, जो ब्रह्मा जी संकादि का उत्तर नहीं दे पाए तो भगवान हंस रूप में प्रकट होकर उपदेश किए, उसको भी एक अवतार के लिस्ट में लेते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सो रहे थे, उनके मुख से वेद निकल रहा था तो उसको असुर खाने की चेष्टा किए, हयग्रीव नामक असुर, तो भगवान उसी रूप में अवतार लेकर के उस असुर का वध किए और वेद की रक्षा किए, तो ये हयग्रीव अवतार। तो हयग्रीव और हंस को लेकर 24 अवतार माना गया है। तो एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जब लिस्ट प्रस्तुत कर दिए तो कहते हैं इतने जो अवतार हैं जिनकी लिस्टिंग मैंने किया, ये अंश और कला है, इसमें जो कृष्णावतार है वो मूल उत्स है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है, वो अवतारी है, उन्हीं से समस्त अवतार निकलता है। केशव धृत नरसिंह रूप, केशव धृत वामन रूप, केशव धृत राम शरीर, जिसको जयदेव जी ने गाया है। कृष्ण ने ही इतना अवतार लिया है, ये मूल उत्स है जो कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रादी व्याकुलम लोके लोक मृयंती जुगे जुगे, इंद्रादि देवता जब अपने दुश्मन से त्रस्त हो जाते हैं तो भगवान जुग जुग में अवतार लेते हैं। इस प्रकार की कथा कह करके अंत में कहते हैं कि इस अवतार कथा को इस अध्याय के अंत में अब कहते हैं कि जन्म गुह्यम भगवतो य प्रत्यतो नर सायं प्रातंगिणन भक्त्या दुख ग्रामात विमुच्यते। जो मैंने इस अवतार की कथा कहा उस भगवान के गुह्य जन्म को कर्म को जो व्यक्ति सुबह शाम कम से कम सुबह शाम दो समय अगर गाता है, प्रातः सायं, सायं प्रातः गिणन भक्त्या आदर भक्ति के साथ भगवान का याद करता है मंगला आरती और गौर आरती के रूप में, तो दुख ग्रामात विमुच्यते, दुख समूह करोड़ों करोड़ों दुख समाप्त हो जाता है। इसके बाद छठवां प्रश्न का उत्तर देते हैं सुत गोस्वामी कि प्रायो पविष्टे गंगायाम परितः परमर्षि भी कृष्णे स्वधामो पगते धर्म ज्ञानादि भी सह। जब भगवान जाने लगे पृथ्वी को छोड़कर तो उस समय अपने को भागवत में रखे और गंगा के तट पर ऋषियों से घिरे हुए सभा में जब सुखदेव गोस्वामी धर्म का वर्णन कर रहे हैं तो उस समय की बात कहते हैं कि जब कृष्ण जाने लगे तो अपने आप को भागवत में रख दिए और कलौ नष्ट दिशा में सब पुराणार को धुनो दी। कलयुग में जब लोगों की बुद्धि समाप्त हो गई, समझ कम हो गया, अपने से दृष्टि नहीं था, तो ये पुराण रूपी सूर्य उदित हुआ है भागवत के रूप में। आ इसको सुखदेव गोस्वामी बड़ा ही आनंद से वर्णन किए हैं और मैं अहम चाध्य गमम तत्र निविष्ट तदनुग्रहात। अब रहस्य की बात कर रहे हैं कि उसको मैंने अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार उनके कृपा से जितना ग्रहण किया हूँ सोहम व साविष्यामी, उस भागवत को आप लोगों को सुनाऊंगा जथा धीतम जथा मति, जैसा मैंने धारण किया है वैसा सुनाऊंगा, जैसी मेरी मति ग्रहण की है वैसा सुनाऊंगा। तो सूत गोस्वामी तैयार है भागवत सुनाने के लिए, अभी तो संक्षेप में भूमिका दिए। तो इस तरह से तीन अध्याय की कथा पूरी हुई। इसके बाद चौथे अध्याय में सौनक जी प्रश्न करते हैं कि भागवत तो सुखदेव और परीक्षित के बीच हुई है, एक को फुर्सत नहीं, एक को कोई मतलब नहीं, कैसा श्रोता बकता, एक राजा है जिसको अपने काम धंधा से फुर्सत ही नहीं है, वो बिजी लाइफ है, वो कैसे भागवत सुनने बैठ गया, और एक को दुनिया से मतलब ही नहीं, जन्म लेते ही विरक्त हो गया, सुनाने वाला विरक्त है, वो कैसे बैठ गया सुनाने। यह बड़ा आश्चर्य की बात है। सुता सुता महाभाग बदनो बदताम बरा कथाम भागवती पुण्या यदा भगवान शुक। आप कृपा करके सुनाइए जो अद्भुत चीज है भागवत की बात कह रहे हैं उसको सुनाइए जरूर, लेकिन सवाल यह है कि इस विषय में जिज्ञासा यह है कि मौनी सुखदेव जो किसी से बात ही नहीं करते थे वो बोलने कब लगे,
कैसे बोलने लगे, भागवत कैसे कहे, और लोग उनको पहचान कैसे गए। वो तो जन्म लेते ही घर छोड़ दिए थे। कस्मिन जुगे प्रवृत्तम, यह भागवत किस युग में कहा इसकी प्रवृत्ति, स्थाने वाक्यन हेतुना कुत संचोदित कृष्ण कीर्तमान संहिता मुनि। इसके समय, स्थान, कारण और प्रेरणा स्रोत, चार क्वेश्चन करते हैं। किस समय इसकी रचना हुई, किस स्थान पर हुई, किस कारण से हुई, किसने प्रेरणा दिया, चार। और फिर तस्य पुत्रो महाजोगी, अगर व्यास जी रचते हैं तो उनका पुत्र तो महाजोगी था, सम्यंग निर्विकल्प का, समदृंग निर्विकल्प का, सब जगह भगवान को देखता था, एकांत मति थी। अब एक घटना का वर्णन करते हैं कि जब अपने पुत्र की पीछा करते हुए व्यासदेव जा रहे थे, तो उस संन्यास लेकर जब जा रहे थे तो वहीं संयोग से एक घटना देखते हैं व्यास जी कि कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं गंगा जी में, उधर नदी में स्नान कर रही हैं, और स्त्रियों का सहज स्वभाव है, कई जगह भागवत में ऐसी घटना है, अपना साड़ी कपड़ा रखकर नग्न स्नान कर रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसे स्नान कर रही थी नग्न, और सुखदेव गोस्वामी तट से जा रहे थे और बिल्कुल नग्न, जन्म लेते ही कुछ नहीं पहने थे, नग्न ही जा रहे थे, तो उनको देखकर वो लड़कियां कोई संकोच नहीं की। और जब ये व्यास देव गए तो दूर से देख करके वे लोग तुरंत अपना कपड़ा पहनने लगी, तो व्यास देव तो अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कर दिए कि भाई हमारा पुत्र जीवक, नग्न, आकर्षक, तुम लोग उनको देखकर कोई संकोच नहीं कि हम वृद्ध शरीर बूढ़ा साधु, और इस तरह दूर से देखकर ही तुम लोग इस तरह से लज्जा कर रही हो, क्या बात है। तो वो स्त्रियां उत्तर देती हैं कि दृष्टि से पता चल गया मुनिवर, उसकी दृष्टि कहीं दूसरे जगह थी, वो हमारे तरफ नहीं देख रहा था, वो सब जगह भगवान को देख रहा है, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है उसके दृष्टि में, और आपके दृष्टि में भेद है। तो जो भेद दृष्टि से देखता है उसे संकोच करना पड़ता है। तो वह सुखदेव की जो इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन, कहीं विभेद करता ही नहीं, वो कथम आलक्षित पौरे, गांव के लोग उनको कैसे पहचाने, वो जंगल में रहता था, उन्मत मुख जडवत विचरण गज साहवे, किसी तरह घूमते हुए आ गया अगर हस्तिनापुर तो लोग पहचाने कैसे, और कैसे सुखदेव गोस्वामी से संवाद हुई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो महात्मा किसी गृहस्थ के यहाँ कहीं भी ज्यादा नहीं टिकता था। उसके विषय में प्रसिद्ध बात है कि गाय दुहने भर जितना टाइम लगे एक गाय दुहने में, उतना ही रुकता था। कुछ लोग कहते हैं कि गोदोहन देखकर कृष्ण लीला का स्मरण करने के लिए खड़ा हो जाते थे। कुछ महात्माओं ने अपना आनंद लिया है कि गाय दुहते देखकर खड़ा हो जाते कि दूध पीकर जाएंगे कि चलो दूध पिला दो चल देंगे, उससे ज्यादा उनको जरूरत नहीं था, जावत अर्थ प्रयोजनम, दूध पिए और चल दिए, तो ज्यादा टिकते ही नहीं थे, फिर सात दिन कैसे रुक गए। और ये अभिमन्यु सुत परीक्षित, जिसका जन्म कर्म महान है, इतना बिजी लाइफ, जिनके जीवन में महान से महान कर्म किया है, जिनके चरणों में बड़े बड़े राजा लोग आकर झुकते थे, प्रणाम करते थे, और उसको क्या जरूरत पड़ गया कि गंगा तट पर जाकर भागवत सुनने लगा, फुर्सत कहां से मिल गया उसको, जिज्ञासा कर रहे हैं। शिवाय लोक से भवाय भूत है, यह उत्तम श्लोक परायण जना, कहां से उसने इस तरह से जीवन का भगवान के आश्रित है, वे संसार के परम कल्याण अभिदय और समृद्धि को जीवन में धारण करते हैं, कोई जिनका कुछ स्वार्थ नहीं वो त्याग करता है सब कुछ, और वो आकर कैसे सुनने लगे, क्या हो गया, ये सब जिज्ञासा है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित दुस्ते लक्ष्मी का त्याग कैसे किए, और भगवान भगवत कथा सुनने के लिए उनकी रति कैसे उत्पन्न हुई, तो इस प्रकार जिज्ञासा करते हैं। यह जिज्ञासा सौनक जी का है। अब इसी के उत्तर में आगे बतलाते हैं कि भागवत की कैसे रचना हुई, किस समय, किस स्थान पर, क्या कारण, क्या प्रेरणा स्रोत। तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि व्यास देव जब द्वापर के अंत में, द्वापर लगभग समाप्त हो चुका था, कलयुग आ गया था, तो उस समय अनेक ग्रंथ, अनेक शास्त्र पुराणों की रचना किए, और रचना करके अपने विविध शिष्यों को पढ़ाए कि एक व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है,
तो अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से पढ़ाए और पढ़ा करके सोचे कि इन शास्त्रों को ये धारण करेंगे, इनको दिया जाए। तत्र वेग धरा पहला सामगो जैमिनी कवि वैषम पायन एवैको निष्णातो जजसामुत अथर्वांगी रसा मासित सुमंतु दारुणो मुनि इतिहास पुराणा नाम पिता में रोम हर्षण। कहते हैं कि ऋग वेद की रचना किए, साम वेद, यजुर वेद और अथर्व वेद, चार वेद बनाए, अपने एक एक शिष्य को एक एक वेद पढ़ा दिए। ऋग वेद पहल को, साम वेद जैमिनी को, यजुर वेद वैशंपायन को और अथर्व वेद सुमंतु मुनि को। और इतिहास पुराणों का जो रचना किए मेरे पिता रोमहर्षण को, इतिहास पुराणा नाम पिता में रोमहर्षण, रोमहर्षण ही कथा कह रहे हैं, मेरे पिताजी को पढ़ाए इतिहास। नाति प्रसिद्ध हृदय, लेकिन पढ़ाने के बाद भी व्यास जी संतुष्ट नहीं है। सरस्वत्याष्टटे सुचौ वितर्कयन विविक्तस्त इदम प्रवाच धर्मविद। इस प्रकार मन में शंका कर रहे हैं कि मैं वेद बनाया, पुराण बनाया, इतिहास भी बनाया, महाभारत की रचना किया, मैं तो सब कुछ रचना कर दिया, इसमें इतिहास बनाकर महाभारत की रचना करके गीता की रचना करके स्त्री शूद्र का भेद ही खत्म कर दिया। चलो वेद में तो उनका अधिकार नहीं है, फिर भी शांति नहीं है, मन शांति नहीं है। असंपन्न युवा भाति ब्रह्म वर्चस्म सत्तम तथापि बत मे दहियो ह्यात्मा नैवात्मना विभु। मेरे शरीर में जलन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, शांति नहीं है, सुख नहीं है, अब मैं कैसे क्या करूं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न और समर्थ हूं, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है, जलन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। व्यास जी बहुत चिंतित थे बद्रिकाश्रम में, गंगा के तट पर बैठकर, जहां उस सरस्वती नदी कहते हैं उसको। तो किमवा भागवता धर्मा प्रायण निरूपिता, लगता है कि मैं भागवत धर्म का बढ़िया से निरूपण नहीं किया, जिसमें भगवान की महिमा होना चाहिए वह मैं नहीं किया हूँ। प्रिया परमहंसा नाम तय वह हेचुत प्रिय, जो परमहंसों को प्रिय लगे, जो कृष्ण को प्रिय लगे, वो काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, जो काम सम्यक रूप से पूरा करना चाहिए वो नहीं हुआ है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्म का वर्णन नहीं किया। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है, वही भगवान को प्रिय है, और हो न हो यही मेरी अपूर्णता का कारण है। इस पॉइंट पर जब व्यास जी आए, ठीक उसी समय देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद का स्वागत किए, प्रणाम किए, उनकी पूजा करने के बाद नारद जी जिज्ञासा करते हैं कि हे मुने, आप खिन्न सा लग रहे हैं, क्या बात है, आप में इस तरह की उदासी कहाँ से, क्यों आप इतना उदास दिख रहे हैं, आपके उदासी का कारण क्या है, आप शरीर से मन से सब तरह से संतुष्ट है ना, प्रसन्न है ना। पराशर जब महाभाग भवत कजिदात्मना, जो कुछ रचना किए हैं वेद शास्त्र संतुष्ट है, अवश्य ही आपने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, महाभारत की रचना किया, सारे पुरुषार्थों को देने वाले, फिर भी आपको लगता है आपका चित देखकर, आपका चेहरा देखकर कि यह कृतार्थ के समान शोक में है, लग रहा है कि आपको जो करना चाहिए वो नहीं किया, ऐसा लग रहा है, क्या है उदासी का कारण। तो व्यास जी कहते हैं कि आप जो भी मेरे विषय में पूछ रहे हो ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो पराशर जो कहते हैं संबोधन में, नारद जी पराशर कहते हैं, पराशर मुनि के बेटा, पराशर मुनि माने भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाले महाज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वाले, लघु पराशरी, बृहद पराशरी, पराशर जी का लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ते हैं, ये सब चक्र नक्षत्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आदि देखने के लिए बृहद पराशरी पढ़कर तब सिद्धांत ज्योतिष बनता है। तो ये तीनों काल के ज्ञाता बाप जिसका है, उसको अपने विषय में पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या उदासी का कारण है, नारद जी का एक व्यंग है। तब व्यास जी भी और ज्यादा बढ़ाकर कहते हैं कि अस्तैव मे शर्मिदम तयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूल मव्यक्त मगाध बोधम पृक्षा महत्वात्म भवात्म भूतम सवई भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत पुरुषः पुराण परावरेश परावरेशो मनसैव विश्वम सिजत्यवत्त
त्यै गुणैर संगः त्वं पर्यटन अर्किव त्रिलोकी अंतश्चरो बाय रिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणी धर्मतो व्रतै स्नातस्य मे न्यूनमलम विचक्षव। व्यास जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा के पुत्र, कृष्ण के प्रथम शिष्य ब्रह्मा, आप सब कुछ जानते हैं, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप सूर्य की तरह सब जगह आपकी पहुंच है, सारे गोपनीय रहस्य को जानते हैं, उन पुराण पुरुष की उपासना किया है, पुरुष और प्रकृति को ठीक ढंग से समझा है, आप समस्त संसार को जानते हैं, सूर्य की तरह आप भ्रमण करते हैं, आपकी गति सब जगह है, आप जहां जाते हैं वहां प्रकाश फैलाते हैं सूर्य की तरह, तीनों लोकों में आप अंतः और बाहर सब दिशा को जानते हैं, अंतःकरण में प्रवेश करके आप भीतर के अज्ञान को भी समझते हैं, तो आप ही कृपा करके बताइए मेरे इस दुविधा का क्या कारण है। आमी के केने आमार जारे ता पत्र है। मेरे कष्ट को आप बताइए, मैं क्यों अकृतार्थ की तरह सोच रहा हूँ आप बताइए। अपने विषय में व्यक्ति क्या बता पाएगा जब तक कोई तत्वेता गुरु न बतावे। तब नारद जी कहते हैं, हाँ अब ठीक पॉइंट पर आया, जिज्ञासा किया। तब कहते हैं, देखो आपने बहुत कुछ धर्म की रचना किया, यथा धर्मा दयाश्चार्था मुनिवार्जा अनुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हेत वर्णित। जिस तरह से आपने विविध पॉइंट को पकड़ा और उसी को खूब जम कर लिखा, उस प्रकार भगवान की महिमा को नहीं लिखा है। वासुदेव की महिमा जिस रूप में वर्णन होना चाहिए वैसा नहीं किया। आपने यद्यपि उत्कृष्ट श्लोकों का प्रयोग किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है, लेकिन पात्र खूब बढ़िया बांट दिया जाए, सोने का कटोरी दे दिया जाए थाली, और खाने के लिए गोबर परोस दिया जाए तो कोई खाएगा? उसमें उत्कृष्ट वस्तु चाहिए। न यद बतश्चित पदम हरेर जसो जगत पवित्रम प्रगृणित कर ही चित तद वायसम तीर्थ मुसंति मानसा न जत हंसा निर्मंत शिक्षया। जहाँ पर कूड़ा करकट है, गंदा चीज फेंका जाता है जिस स्थान पर, वहाँ तो कौओं का उत्सव होगा, वायस तीर्थ है, वहाँ कौए आकर काव काव करेंगे और उस मल मूत्र को खोजेंगे, उस जूठे को खखार को मल को ढूंढ कर खाते हैं कौआ, परमहंस उसमें नहीं रमता है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार लोग उसमें रम रहे हैं। आपने जिस रूप में भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए उस रूप में नहीं किया। यदवाग विसर्गो जनताग विप्लव जस्मिन प्रति श्लोक मध्यवत्यपि नामानंत से जसंकिता निज श्रीणवंती गायंती गिणंती साधव। इसके विपरीत वो मल मूत्र कूड़ा करकट घूर से अलग एक दूसरा स्थान है जहाँ पर दूषित शब्दों का प्रयोग नहीं है, जिसका प्रति श्लोक भगवान की महिमा से भरा पड़ा है। वह वाणी सारे लोगों के पाप को नाश करने वाली है, सत्पुरुषों के श्रवण करने लायक है और वर्णन करने लायक है। उनके श्रवण और गान से युक्त कीर्तन कीजिए, कीर्तन जहाँ भगवान के जस का, अनंत के जस का वर्णन किया जाना चाहिए, जिसमें साधु लोग रमण करते हैं, इसमें तो कौवे रमण करेंगे। इस तरह बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। अगर मान लो भगवान की भक्ति करते हुए लोग पूरा पूरा न करें, अपने स्वभाव बस गिर जाए, तो व्यास जी कहते हैं जब स्वभाव अलग अलग है और हम एकाएक उनको भक्ति दे, हम तो सोचे कि धीरे धीरे विकास करेंगे, लेकिन वो विकास नहीं करके उसी में फंस जाते हैं। तमोगुणी प्रवृत्ति के लोगों को मांस खाना है तो उनको एक विधान कर दिया कि अमावस्या के दिन देवी के स्थान पर बकरा का बलि करके खा सकते हो, तो चलो उसी को वो मेन उत्सव मान लिए, और अमावस्या को क्यों, रोज रोज क्यों नहीं, जब अमावस्या को देवी खुश हो सकती है तो 29 दिन बाकी क्यों रहेगा, रोज काटते हैं, उनकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और इस तरह से आप बढ़ाने की प्रवृत्ति कर रहे हैं, अगर वो नहीं करे तो हम तो सोचे कि विकास करेगा, तो कहे कि नहीं, अगर छोड़ भी दिया तो क्या हो गया। नारद जी कहते हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे भजन पकोथ पते ततो यदि यत्र वा भद्र मुद मुष्य किम को अर्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। अगर कोई भक्ति किया और बीच में छोड़ भी दिया तो उससे क्या हानि है, अगर भजन नहीं किया और दूसरा काम खूब बढ़िया से किया तो क्या लाभ हुआ।
भक्ति के अतिरिक्त संसार का कोई भी काम करके वो किस प्रॉफिट में है, और भक्ति करके छोड़ दिया तो किस हानि में है। छोड़ दिया तो चांस मिलेगा, और नहीं किया तो नरक जाएगा। भक्ति नहीं किया तो नरक जाएगा, और बीच में छोड़ दिया, मकान मान लीजिए बनाना है, पैसा खत्म हो गया बेस तैयार करने में ही, तो क्या बिगड़ गया? एक साल दो साल बाद ही पैसा है, बेस तैयार है तो बिल्डिंग बनेगा, नीचे पिलर है तैयार है तो बन जाएगा एक साल के बाद भी। अगर बेस तैयार ही नहीं किया, पैसा ऐसे ही नष्ट हो गया है, तब कैसे मकान बनेगा? उसको चांस दिया जाएगा। और भजन के अतिरिक्त दूसरे काम करके व्यक्ति लाभ क्या किया? अब भजन करते हुए अगर गिर भी गया तो क्या हानि हुआ? कुछ हानि नहीं हुआ। उसका जहां तक भजन स्टॉप हुआ है वहां से प्रारंभ होगा। अगर मान लीजिए कोई भक्त पांच साल दस साल छोड़ने भजन करके छोड़ दिया, साल भर डेढ़ साल नहीं किया, और फिर से अगर करना चालू करे तो महामंत्र कैसे जपना है उसे बताना नहीं पड़ेगा, मंगला आरती कैसे आना चाहिए कैसे क्या सब जानता है, तिलक लगाना भी जानता है। किसी कारण बस छोड़ दिया, अगर कोई आकर उपदेश करे भाई क्यों छोड़े हो कर लो, तो अगर करने लगे तो फिर से एबीसीडी नहीं सिखाना है, वो सिखा है। उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ भजन भी काम देता है, जैसे गजेंद्र को काम आया, पूर्व जन्म किया हुआ स्तोत्र जब संकट में फंसे तो याद आ गया, पूर्व जन्म का किया हुआ भजन गजेंद्र को याद आ गया और स्तुति किया पार हो गया। वृत्रासुर अपने पूर्व जीवन में भजन किए थे चित्रकेतु के रूप में, और युद्ध भूमि में जब इंद्र के सामने लड़ते लड़ते इंद्र उनको मार नहीं रहा है, और जानते हैं कि भगवान की आज्ञा से अस्त्र बना है, इसका स्पर्श होते ही हमारा ये पापमय राक्षस शरीर नष्ट होगा और हम भगवत धाम जाएंगे। लोभ हो गया कि जल्दी मारे और मैं भगवत धाम जाऊं, तो अब मार नहीं रहे हैं। इंद्र को भय है कि जैसे हमारा गदा विफल हो गया वैसे वज्र भी विफल हो सकता है, तो भगवान का स्मरण करने लगा, हे प्रभु अब की बार यदि आपको प्राप्त करूंगा तो अब मुझको ये सब नहीं चाहिए। चार श्लोकों में स्तुति की, पूर्व जन्म के किया हुआ भक्ति याद आ गया, तो इस तरह से क्या हानि है? तत्रैव हेतो प्रयतेत को विदो न लभते यद भ्रमताम उपर्यतः। ध्यान दीजिए, बुद्धिमान पुरुष को उस वस्तु के लिए प्रयास किया करना चाहिए जिसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, जो अपने आप मिलता है उसके लिए क्या प्रयास करना है? तल लभते दुख वदन्यत सुखम काले न सर्वत्र गभीर रंगसा। जिस तरह इस संसार में दुख मिल रहा है उसी तरह प्रारब्ध से सुख भी मिलेगा। सुख के लिए प्रयास क्या करना है? वो तो प्रारब्ध अपने कर्मों का रिजल्ट है। भक्ति बिना प्रयास के नहीं मिलता है, उसके लिए प्रयास करना है। सुख और दुख संसार का स्वरूप है, वो तो मिलेगा। आप इन ग्रंथों में इस सब बातों को भर दिए, इससे कोई लाभ नहीं है। इदम ही पुनसः तपसः सुतः सेवा सृष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अभिचुतोर्थो कभी भी निरूपतो यह अद्युत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। सारे विद्वता का, सारे योग्यता का, यज्ञ अनुष्ठान का, तपस्या का एकमात्र फल है कि भगवान के गुणों का वर्णन किया जाए। तब अपनी बात कहते हैं कि मैं अपने विषय में बतलाऊं अनुभव। जब गुरु अत्यंत शिष्य पर स्निग्ध होकर कृपा करता है तब अपने जीवन में कैसे भक्ति का प्रोग्रेस किया है उसको बताता है। मैं पूर्व जीवन में दासी का पुत्र था, संयोग से महात्माओं का सेवा करने का अवसर मिल गया। चार महीना महात्मा लोग चतुर्मास के लिए रुक गए थे, और उस समय उनके मुख से कीर्तन कथा सुनकर मेरे हृदय में भक्ति आ गई। मेरे बाल स्वभाव जो चंचलता है वो छोड़कर मैं महात्माओं के साथ बैठता था। मेरे इस स्वभाव से प्रभावित होकर जाते जाते महात्मा लोग मुझे कुछ मंत्र दे दिए, संयोग से बाद में मैं उन मंत्रों के बल पर भगवान को प्राप्त किया, और आज मैं देखते हो देवर्षि हूँ, ब्रह्मा का पुत्र बना हूँ। फिर व्यास जी प्रश्न करते हैं कि जब महात्मा लोग चले गए छठवें अध्याय में, आप क्या किए महात्माओं के जाने के बाद उस जीवन में? और दूसरा क्वेश्चन है कि इतने पुराने जन्म पूर्व जन्म की बात आज तक आपको कैसे याद है? लोगों की बुद्धि काल नष्ट कर देती है, आपको क्यों नहीं याद विस्मृत हुआ? तब कहते हैं महात्माओं के जाने के बाद एक दिन की घटना है। मेरी माँ रात को गाय दूह कर आ रही थी उस आश्रम के लिए, दासी थी, मुझको बहुत स्नेह करती थी, लेकिन रास्ते में उनको एक सर्प डस दिया और बेचारी की मृत्यु हो गई। तो मैं उस मृत्यु को भगवान की कृपा समझा, क्योंकि उसके व्यामोह में मैं वहां फंसा हुआ था कि मेरी माँ है मुझसे स्नेह करती है,
महात्माओं के बताए हुए ज्ञान को मैं अपने हृदय में धारण करके मैं उत्तर दिशा की ओर गया। थका मांदा मैं जल में स्नान किया, सरोवर एक झरना मिला और वहां एकांत पाकर मैं महात्माओं के बताए हुए विधि से भगवान का चिंतन किया। एक बाइक मेरे हृदय में भगवान की वो रूप वो माधुरी आई और मैं उसको प्रगाढ़ रूप से स्मरण करना चाहता था, तब तक वो जल हो गई और आकाशवाणी हुआ कि बेटा अभी तुम अधकचरा हो, अपने इस प्रारब्ध को भोगो, इस जीवन के बाद फिर तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करोगे। अब भगवत उस भविष्यवाणी के अनुसार मैं अपने प्रारब्ध के अनुसार शरीर को भोगता रहा, लेकिन मुझे भगवत दर्शन होगा इस श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं महात्माओं के बताए हुए विधि का फॉलो किया, पालन किया। इसके बाद मेरा शरीर गिरा और फिर मैं ब्रह्मा जी के मन में प्रवेश किया और आज मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हूँ। देखो मेरा प्रोग्रेस, ये भक्ति का प्रभाव है। जिस श्रवण कीर्तन के बल पर दासी पुत्र आज ब्रह्मा का पुत्र बना है, वह भक्ति किसी भी व्यक्ति को इतने ऊंचे पद पर ला सकती है। व्यास उस भक्ति की महिमा वर्णन करो, उस भक्ति का महिमा वर्णन करोगे तो निश्चित रूप से जीवों का हित होगा। इस प्रकार नारद जी उपदेश करते हैं व्यास देव को और कहते हैं कि यह बीड़ा जो मेरे हाथ में देख रहे हो, जिसका मैं गायन करता हूँ, भगवान कृपा करके मुझको दिए हैं, स्वयं भगवान। और तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि लोकों में घूमता हूँ सब जगह और इस बीड़ा से उनकी कीर्ति का बखान करता हूँ। ये तद आतुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्श क्षया मुहु भव सिंधु प्लव दिष्टो हरिचर्यानु वर्णनम। सुन लो व्यास, इस आतुर चित्त वाले जो संसार में भोग पिपासा से मर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए संसार विषय जो जला रहा है, इस भव सिंधु से पार जाने का एकमात्र नौका है हरिचर्यानु वर्णनम, भगवान के जस का गान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार सुत गोस्वामी कहते हैं कि अहो देवर्षि धन्योयम् यत् कीर्ति सांग धन्वनः गायन माद्य निदम तंत्रा रमयत्यातुरम जगत। इस तरह संसार आतुर त्रिताप दग्ध जीवों को आप आनंद प्रदान करते हैं, भगवान के द्वारा प्राप्त वीणा पर उनके गुण का गान करते हैं। आप धन्य।